करती है। okay. स्क्रीन। yes, yes. तो आज सबसे पहले जो आप लोग आए हो आपको वालेकुम तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बड़ी क्रिटिकल फील्ड के बारे में जो कि है डेटा इंजीनियरिंग पाकिस्तान में ना बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और जिन लोगों को पता है वो बहुत ही सीनियर लोग हैं मतलब सीनियर लेवल या लेट ले ले से फोर से फाइव ईयर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना तो वो फिर छोटों को यानी कि जूनियर्स को बताते नहीं हैं तो डेटा इंजीनियरिंग की आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की केस स्टडी के साथ मेरे जितने भी सेशंस होते हैं मैं सब में एग्जांपल या केस स्टडी देता हूं बिकॉज स्लाइडें तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो ठीक है डेटा इंजीनियरिंग गूगल पर सर्च करो पता नहीं कितनी स्लाइड्स आ जाएंगी लेकिन मैं आपको बताऊँगा एक नेटफ्लिक्स जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग साइट है और कह लो कि इसका कोई मुकाबला भी नहीं है स्ट्रीम करने में और दुनिया पूरी मानती है इनके सिस्टम डिज़ाइन को तो ये लोग बहुत पैसा लगाते हैं रिसर्च के ऊपर ख़ास तौर पे अपनी डेटा इंजीनियरिंग की टीम पे नेटफ्लिक्स बहुत पैसा लगाता है तो वो कौन सी टीम है क्या करते हैं वो लोग आज, आज आपको ये बताऊंगा तो एजेंडा जो है आज का वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई डेटा इंजीनियरिंग की जरूरत क्या है इसकी वाई मतलब क्यों जरूरत पड़ती है हमें उसके बाद एक जब स्टार्टअप आप एक स्टार्ट करते हो और आपके पास एक कस्टमर बेस बनता है लेट से टेन थाउजेंड यूज़र्स ट्वेंटी थाउजेंड यूज़र्स उसको बिलियन यूज़र्स पे कैसे लेके जाया जाता है लेट से आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो और आपको फाइव मिलियन डॉलर की फ़ंडिंग की जाती है तो आपने स्टार्टअप आप की वैल्यूएशन अगर वन बिलियन तक लेके जानी है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा यूज़र बेस चाहिए और रेवेन्यू मॉडल यानी कि आपको प्रोजेक्शन बतानी पड़ती हैं कि दस साल में प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हमारा ये होगा अब वो कैसे पता चलेगा आपको यानी कि स्टार्टअप्स की जो सक्सेस होती है वो किस पॉइंट में लाया करती है नेटफ्लिक्स इतना बड़ा कैसे बना ठीक है ट्विटर इतना बड़ा कैसे बना और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस तरह नेटफ्लिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन डेटा इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट करती है तो उसे हम कहते हैं एक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज उन लोगों के सारे के सारे बिजनेस डिसीजन वो लोग डेटा की बेस पे ले रहे होते हैं ये बेसिकली कह लो कि Uh, अगर मैं आपको आर्टिकल लास्ट में दिखाऊंगा दो हज़ार सेंचुरी की सबसे सेक्सियस्ट जॉब जो है वो डेटा इंजीनियर की होती है लेकिन इसमें रोल्स बहुत कम्प्लैक्स होते हैं भी आपको आगे जाकर बताऊंगा लेकिन डेटा साइंस डेटा साइंटिस्ट को कहा जाता था कि ये ट्वेंटी सेंचुरी की सबसे हॉटेस्ट जॉब है लेकिन अब नहीं रही जब से डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड डेवलप की गई है तो अब uh, जो सेक्सियस्ट जॉब है आपके पास ट्वेंटी सेंचुरी की वो है डेटा इंजीनियर की ठीक है और कह लो कि डेटा इंजीनियरिंग के अगर आपको मैं स्टार्टिंग सिर्फ सैलरीज बताऊँ हमारे इधर पाकिस्तान में फिनिटी आरबी सॉफ्ट वगैरह जो लोग हायर करते हैं डेटा इंजीनियर्स को तो वो आपके पास होती है एट्टी फाइव के फ्रेश ग्रेड की अगर आप एसोसिएट डेटा इंजीनियर जाते हो एटी फाइव से नाइन्टी के करीब और अगर आप एक दो साल एक्सपीरियंस से जा रहे हो तो वन पॉइंट फाइव लैख स्टार्टिंग होती है डेटा इंजीनियर की सैलरी बिकॉज ये वो लोग होते हैं जिस पर कंपनी डिपेंड करती है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा आपको समझ आ जाए कि कैसे डिपेंड करती है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाउ दे मेक एक बिलियन एक कंपनी बिलियन डॉलर कैसे कमाती है कभी सोचा है आपने एप्पल की वैल्यूएशन ट्रिलियन से ऊपर चलेगी गूगल की वैल्यूएशन ट्रिलियन से ऊपर चलेगी अमेजोन की चलेगी ठीक है माइक्रोसॉफ्ट चला गया अब रिसेंटली तो कभी आपने चीज़ इमेजिन की है कि कंपनियां बिलियन अब तो हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं पर अब थोड़ा सा पीछे जाओ तो जरा सोचो कि ग्रास से स्टार्ट की हुई कंपनी जो कि चार कंप्यूटर से मिलकर बनी थी गूगल की बात कर रहा हूँ वो एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी कैसे बनी यानी कि वो लोग बिलियंस कैसे कमा कैसे लेते हैं ऐसा क्या करते हैं कि बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाती हैं ठीक है उसके बाद आगे बस रोड मैप होगा डेटा इंजीनियर के लिए कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है अभी आप देखोगे कि, कि कितनी कम्प्लेक्स फील्ड है ये लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और स्किल्स का ताकि आप वो चीज़ सीख के और याद रखना डेटा इंजीनियर कोई तीन चार महीने का प्रोसेस नहीं है इसमें आपकी हो सकता है पूरी डिग्री लग जाए आपको चार साल या आप डिग्री के बाद अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे तो एक दो साल आपको आराम से लग सकते हैं एक अच्छा डेटा इंजीनियर बनने में ठीक है और लास्ट में होंगे आपके क्यू एक क्वेश्चन आंसरिंग और मेरा इंट्रोडक्शन भी हम लास्ट में करेंगे तो अब आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा इंजीनियर पे तो आप सब लोगों ने जब जॉब पोस्ट पढ़ते हो डेटा साइंटिस्ट की या डेटा एनालिस्ट की उसमें एक ई टी एल का लफा आता है ई टी एल स्टैंड फॉर एक्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड ठीक है तो जो डेटा इंजीनियर होता है ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये कंपनी के लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट भी करेगा ट्रांसफॉर्म भी करेगा और लोड भी करेगा ठीक है और ये क्या करेगा इसकी पूरी एक पाइपलाइन बना के देगा जो कि स्केजुअल की जाएगी डेली चलेगी या वीकली चलेगी या मंथली चलेगी ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट है कि डेवलप करता है ये कंस्ट्रक्ट और टेस्ट करता है आर्किटेक्चर्स को यहाँ मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड की बात नहीं बता रहा ये आर्किटेक्चर की बात हो रही है आर्किटेक्चर में आपके लो लेवल आर्किटेक्चर से लेके जो कि आता है आपके हार्डवेयर लेवल तक वहाँ से लेके आपके ऊपर जो का आपका एब्स्ट्रैक्शन के बाद आता है आर्किटेक्चर लेवल जिसको आप सिस्टम डिज़ाइन कहते हो हाई लेवल सिस्टम डिजाइन कहते हो वहाँ तक ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन करने के लिए पूरे का पूरा ठीक है और ये बेसिकली कंपनी के सी के साथ काम करते हैं कंपनी के सी के साथ और ये स्टेक होल्डर्स को एनालिटिक्स देने के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कितने लॉस में जा रही है और क्या प्रोजेक्टेड आगे अर्निंग्स हो सकती हैं ठीक है ये बहुत बड़े डेटा काम करते हैं यूजली बिग डेटा होता है आपके पास पीटा बाइट्स के अंदर ठीक है और ये उस पीटा बाइट्स के डेटा को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके डेटा साइंटिस्ट को देते हैं कि वो मशीन लर्निंग अप्लाई करके उसको बिजनेस इशू सॉल्व करने पर लगाता है ठीक है और आइडेंटिफाई वेज़ टू इम्प्रूव डेटा रिलायबिलिटी एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन लोगों का काम होता है कि डेटा को गेट करने तो फास्ट गेट करो नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है तो फास्ट डेटा लेकर आओ डिले नहीं आना चाहिए अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए कभी भी डेटा लूज़ ना हो ठीक है कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए डेटा रू ड्रेप्लीकेट ना हो डुप्लीकेट ना हो ठीक है तो बेसिकली कह लो कि अगर आप लोग डेटा से प्यार करते हो ना इफ़ यू लव डेटा आपको डेटा बहुत अच्छा लगता है आपको सी फाइल्स ठीक है एक्सेल शीट्स और मतलब बड़ा अगर आपको पाइथन में ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है विजुअलाइजेशन क्रिएट करने का शौक़ है और आपको बड़ा इंटरेस्ट है कि कैसे ए पी डेटा लूँ कैसे जेसन में डेटा लूँ कैसे मैं पाए कैरेट की फॉर्म में डेटा लूँ कैसे मैं एच डी एफ एस फाइव को इम्पोर्ट करूँ ठीक है हा डू डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम तो आप एक डेटा इंजीनियर बनने की तरफ जा रहे हो बन सकते हो ठीक है तो डेटा से प्यार होना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट कह लो आपका स्टार्ट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर ठीक है अब डेटा इंजीनियर मस्ट भी वो गुड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यानी कि डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरदम उसके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ठीक है और एबल टू लीड द डेटा टीम डेटा टीम को लीड करे अब देखो आपके पास अगर दस लोग हैं तो आप लोगों ने लीड करना है उस दस लोगों की टीम को और वो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ होता है उसको बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक एक चीज़ पता होती है क्या लोड बैलेंसिंग होता है क्या मैसेज क्यूज़ होते हैं अभी आगे एक चीज़ें समझ आएंगे आपको और बिग डेटा सिस्टम से वो फेमिलियर होता है हडूप से वो फेमिलियर होता है हाइप से फेमिलियर होता है स्पार्क के इको से वो फेमिलियर होता है पूरा पाए स्पार्क का इको है इसमें अपाचिक काफका है का पाचिकसनड्रा है ठीक है ये और स्पार्क स्ट्रीमिंग है स्पार्क बैच प्रोसेसिंग है ठीक है इन सब चीज़ों से वो बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर होता है एबल टू राइट एफिशियट कोड हम लोग कोड लिखते हैं और एक डेटा इंजीनियर कोड लिखता है दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डेटा इंजीनियर कोड हमसे आधे टाइम में चलेगा ठीक है और हमारा कोड अगर पाँच सेकंड में चल रहा है डेटा इंजीनियर क्या करता है वो उसी कोड को इस तरह से लिखता है कि वो ढाई सेकंड में चलेगा ठीक है तो ये भी इसकी एबिलिटी होती है डेटा इंजीनियर की कि ये पहले से लिखे हुए कोड को मोर एफिशिएंट बना सकता है गुड एट लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन अब वो जब सिस्टम डिजाइन करने की बारी आती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनके पूरे ग्लोब में आपने चीज को लेके जाना है डिफरेंट डेटा सेंटर्स के अंदर से तो वो लार्ज स्केल में बड़ा अच्छा होता है उसको पता होता है कि एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन जब आप सी डी एन डाल रहे होते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ऊपर तो वो कैसे काम करता है उसके बाद एक्सीलेंट होता है वो क्लाउड के अंदर और डेव के अंदर अगर आप डेव और क्लाउड में एक्सीलेंट नहीं हो तो आप डेटा इंजीनियर नहीं बन सकते तो डेटा इंजीनियर को पता होना चाहिए मस्ट नो मैसेज क्यूज के बारे में जिसमें आपके पास अपाचे काफका है रेबी टाइम क्यू है ये सारे मैसेज ब्रोकरस हैं आपको अगर कभी अगर मुझे आज टाइम मिला मैं आपको नेटफ्लिक्स का तो चलो बताऊंगा ही बताऊंगा ऊबर का भी सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा बताऊंगा उबर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करता है पाचे काफका को आपके पूरे मैसेज प्रोसेस करने के लिए आप ऊबर की ऐप को जब क्लिक भी करते हो लेट से आपने राइड बुक नहीं भी की आपने सिर्फ राइड को सर्च किया वो भी ऊबर को पता है कि आपने राइड सर्च की थी ठीक है तो ई टूल्स आपके पास एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड करने के जो टूल्स होते हैं अभी आगे जाके स्लाइड में बात करेंगे पाइथन आपको आनी चाहिए इसमें आपके पास चॉइस है पाइथन और स्काला के अंदर अगर आप स्काला कर लोगे तो फिर भी बेहतर है वरना पाइथन करो ज्यादा बेहतर है पाइथन हर जगह इस्तेमाल हो जाती है और नेक्स्ट आपके पास चॉइस है जूलिया और जावा में से कोई एक जावा कर लो तो ज्यादा बेहतर है जूलिया भी इतनी नहीं है ही जावा आपको आनी चाहिए जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा इंजीनियर ठीक है उसके बाद आपको, आपको आप स्पार्क का इको पूरा पता होना चाहिए स्पार्क स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स बहुत हैवीली इस्तेमाल करता है स्ट्रीमिंग का अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके स्लाइड्स में और नो no एस और एस क्यू डेटा बेस में तो आप इतने अच्छे होने चाहिए हो ना कि आप डेटा बेस गुरु हो तब आप डेटा इंजीनियर बनते हो बिकॉज डेटा इंजीनियर काम ही ये है एक डेटा वेयर है उसे डेटा उठाना उसको प्रोसेस करना और डेटा बेस में वापस स्टोर कर देना ठीक है तो नेक्स्ट जो स्किल है वही डेटा वेयर हाउसिंग का है और डेटा माइनिंग का है कि डेटा को एपीआई से कैसे गेट करना है डेटा को एक्सेस से कैसे गेट गेट करना है डेटा को किसी सर्वर से कैसे लेके आना है ठीक है तो ये डेटा माइनिंग के अंदर आ जाती हैं चीजें और डेटा वेयर हाउसिंग में आ जाती हैं इस सब आपको पता होना चाहिए अगर आप इन स्किल, से, स्किल सेट्स को देखो ये कोई भी चीजें बैचलर लेवल पे आप सारा कुछ कवर नहीं कर सकते ठीक है तो ये परेशान नहीं होना ऐसे होता है तो अब देखो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो अभी आप राइट साइड वाले हो लेफ्ट साइड बल्कि मेरी तो लेफ्ट बनती है आपकी शायद राइट बने जिसमें आप वेब सर्विस डॉट नेट जे क्वेरी एस टी एम एल सी एस पी एच पी एच आयल सॉफ्टवेयर सीश आप सब कुछ कर रहे हो ठीक है माई एस क्यू एल एनेक् जावा लेकिन डेटा इंजीनियर का थोड़ा सा ज़रा कहानी डिफरेंट होती है डेटा इंजीनियर एक डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान में बैठता है और देखो हडूप डेटा वेयर हाउसिंग ई टी एल डेटा बेसिस और एक्कल बिग डेटा एस क्यू डेटा एनालिसिस एस क्यू सर्वर सी सी प्लस प्लस ठीक है हाइव यूनिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस सब चीज़ें इसको आती होती हैं ठीक है और आपको मैं जनरल बात बता रहा हूँ सिर्फ एक ई टी एल ये जो ई टी एल तीन लफज है ना सिर्फ ये ई टी एल पाइपलाइन बनाना सीखना ही छः महीने का काम है कि एक एक्सटेंसिव डेटा को कैसे आप लेके आते हो ठीक है ई टी एल पाइपलाइन की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है ठीक है अब जब डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करते हो दो तरीके से कर सकते हो या तो उसको स्ट्रीम कर सकते हो स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू या आप उसको बैचेज में ले सकते हो पाचक काफका के थ्रू ठीक है काफका मैसेज क्यू ये लिंकड ने बनाया था ट्रांसफॉर्म जब आपने करना है तो आप वही पांडा से इस्तेमाल करते हो ठीक है लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो पांडा से वहाँ पर काम नहीं करता वहाँ पे आपके पास आ जाता है पायस पार्क ठीक है पायस पार्क में आपके पास एक लाइब्रेरी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग करती है क्रॉस क्लस्टर्स पे ठीक है तो आप वो इस्तेमाल करते हो जब आपने लोड करना है तो आप या तो अमेजोन एस थ्री में डाल रहे होते हो या आपका सेंड्रा में डाल रहे होते हो ट्रांसफर लोड करने से बिल्कुल पहले और या आप एस में डाल रहे होते हो या नो एस में जो भी उन्होंने आपको बताया है जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं और अब आज जो केस स्टडी पे तो हमारी जो केस स्टडी आज की नेटफ्लिक्स के बारे में मुझे ये है कि वाई एंड हाउ नेटफ्लिक्स अपडेटेड देयर रेटिंग सिस्टम जो लोग नेटफ्लिक्स के यूजर्स हैं आज से तीन चार साल पहले कि उन लोगों को पता है कि नेटफ्लिक्स का फाइव स्टार रेटिंग सिस्टम था आप स्टार्स देते थे और नेटफ्लिक्स समझता था कि आपने स्टार्स दिए हैं तो हम इसको रिकमेंड करेंगे आपको ठीक है तो अब इसमें एक मसला है वो नेटफ्लिक्स का वाइस प्रेजेंट था उसने ये बड़ा डिस्कशन अब यहाँ पर ज़रा इमेजिन करो कि जो मैं अब आपको ये स्टोरी सुनाने लगाऊँगा अगर केस स्टडी नेटफ्लिक्स की ज़रा इमेजिन करना कि अगर ये नेटफ्लिक्स को ना पता चलता तो उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता था ये ठीक है तो चलते हैं कि केस स्टडी पे इसको ज़रा गौर से सुनना इसमें एक ऐसे ऐसे रास की बातें हैं ना कि अगर आपका अपना स्टार्टअप आप है कल को अगर आप जाते हो फाइव मिलियन यूज़र्स तक तो आपको ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेंगी अगर नहीं समझोगे तो आप कस्टमर लूज़ कर जाओगे ठीक है तो ये है बिडल नाम का एक बंदा था जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट था नेटफ्लिक्स का उसने एक चीज नोट की उसने एक नोट किया अगर आप आग यहाँ पे इसकी है, जो इसने की है, इसका पे आर्टिकल है अगर किसी को लिंक चाहिए होगा मैं दे दूंगा तो यहाँ पे उसने जो लिखा है इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको में उर्दू में समझा दूंगा क्या मतलब है ठीक है यहाँ पे उसने लिखा किस एक्नोलेज वाइल यू लीव योर ब्रेन डोर Adam Sandler comedy only three stars you enjoy watching it and as much as you feel good about watching Schindler's list and give it five stars it doesn't increase your overall enjoyment this movie is a bit of a downer अब इसका मतलब क्या है let's say आपको Salman Khan बहुत पसंद है ठीक है राधे बुरी तरह flaw हुई उसकी movie लेकिन लोगों ने फिर भी उसको uh, five stars दिए जो लोग Salman Khan के die hard fans हैं बेशक उनको movie पसंद नहीं है लेकिन उन्होंने Salman Khan की वजह से stars दिए ठीक है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी जिसमें सलमान खान नहीं है पर वो बहुत अच्छी हैं लेट से अगर आप ए, किसी भी मशहूर मूवी की बात करो जो कि कह लो कि अब मैं कैसे एग्जांपल दूं मैं इतनी मूवीज़ी जो भी आप आप इतना समझो कि ऐसी मूवी जिसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है ए, लेकिन वो बहुत अच्छी मूवी है तो उसको आप बड़े एक्टर ना होने की वजह से फोर स्टार ही दोगे फाइव स्टार नहीं दोगे बिकॉज उसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं था ठीक है मूवी आपको बहुत अच्छी लगी है तो नेटफ्लिक्स को ये बात समझ आई कि लोग क्या करते हैं लोग अपने फेवरेट एक्टर की को पाँच स्टार देते हैं बेशक उनको मूवी देखने में मजा ना आया हो ठीक है लेकिन जो फेवरेट एक्टर नहीं है उनका ठीक है उसको उनको बेशक वो मूवी देखने में या सीजन देखने में मजा आया हो पर वो क्या करते हैं उसको फाइव स्टार नहीं देते अब नेटफ्लिक्स इस बात परेशान पर 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 हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हम रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं वो तो सारी मतलब क्या लोग खत्म हो जाएंगे मतलब देखो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन ही पे ही तो चलता है नेटफ्लिक्स का पूरे का पूरा जो बिज़नेस है वो आपको कंटेंट दिखाना है और आपको कंटेंट दिखाना उनका रिकमेंडेशन सिस्टम का काम है अगर उनका रिकमेंडर सिस्टम आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा जो कि आपको चाहिए तो आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दोगे ठीक है उनका बिजनेस चला जाएगा तो जब नेटफ्लिक्स ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत काम खराब हो रहा है इस तरह तो बहुत काम खराब होगा तो अब आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स खोल के अब जो रेटिंग सिस्टम है वो या तो थम्स अप है या थम्स डाउन है आपके पास कोई चॉइस नहीं है फाइव स्टार फोर स्टार देने की आपको पसंद है तो आप करो चेक पसंद नहीं है तो डाउन थम दे दो ठीक है इस तरह नेटफ्लिक्स को ज्यादा क्लियरली पता चलेगा क्या चीज आपको वाकई पसंद है और क्या चीज आपको नहीं पसंद अब जो केस स्टडी है वो ये है कि नेटफ्लिक्स को ये पता कैसे चला कि कोई फाइव स्टार दे रहा है फोर स्टार दे रहा है क्या कर रहा है यहां पर आती है अब डेटा इंजीनियरिंग तो हम बात करेंगे रिकमेंडेशन एट नेटफ्लिक्स के नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन पे क्यों चलता है बिजनेस इनका सारे का सारा तो अब अगर जो पहला पॉइंट है वो है पर्सनलाइज द नेटफ्लिक्स एक्सपीरियंस फॉर ईच मेंबर तो नेटफ्लिक्स पे जो रिकमेंडेशन होती हैं वो हर एक मेंबर के लिए एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर दी आपके अकाउंट में आपको कुछ और रिकेमेंड होगा मुझे मेरे अकाउंट में कुछ और रिकेमेंड होगा इसका गोल क्या है अब कंपनी के अंदर ना गोल्स रखे जाते हैं तो जब भी आप डेटा इंजीनियर बनोगे आपको गोल दिया जाएगा तो गोल दिया गया है कि क्विकली हेल्प मेंबर्स फाइंड कंटेंट दे हैव लाइक टू वॉच कि मेंबर्स को वो कंटेंट जो वो देखना चाहते हैं वो क्विकली मिल सके क्विकली जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ नेटफ्लिक्स के मुताबिक वो कहते हैं अगर हमारे लोड टाइम में दो सेकेंड का डिले आए हम थ्री परसेंट कस्टमर लूज कर देते हैं हमारे अगर लोड टाइम में फाइव सेकंड का डिले आए हम सेवेंटी परसेंट कस्टमर लूज कर देते हैं और अगर हमारे लोड टाइम में टेन परसेंट का डिले आए तो हम हंड्रेड परसेंट कस्टमर को लूज कर देते हैं ये नेटफ्लिक्स ने खुद बताया था ठीक है तो रिस्क क्या है अब देखो अगर ये ना कर सके वो रिकमेंडेशन टाइम पर या जिस तरह रियल टाइम में होना चाहिए उस तरह ना हुआ तो मेंबर में लूज इंटरेस्ट एंड अबेंडेंट द सर्विस मेंबर क्या करेगा इंटरेस्ट का खत्म हो जाएगा और वो सर्विस को छोड़ देगा तो अब चैलेंज क्या है अब चैलेंज चैलेंज के ऊपर भी करनी करनी है है और 180 मिलियन एक स्केल पे करनी है। आपकी ऐप पांच लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे दस लोग नहीं कर रहे कितने कर रहे हैं वो अब यहां पर देखते हैं कि स्केल क्या है नेटफ्लिक्स पे आपने यहां पे देखा ना कि चैलेंज हमें क्या है, है कॉन्टेंट तो वो स्केल क्या है 125 मिलियन एक्टिव मेंबर्स डेली नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं 190 कंट्रीज के अंदर स्प्लिट किए गए हैं 450 बिलियन यूनिक इवेंट्स एक डे में नेटफ्लिक्स क्रिएट करता है और 700 सौ प्लस काफका टॉपिक्स उन इवेंट्स को लिसन कर रहे होते हैं आपके पास तो इतने बड़े स्केल के ऊपर रिकमेंडेशन को जनरेट करना और उनको शो करवाना यह है नेटफ्लिक्स में चैलेंज जो कि नेटफ्लिक्स ने बड़े अच्छी तरीके से पूरा किया हुआ है तो अब नेटफ्लिक्स क्या करता है इसके लिए नेटफ्लिक्स डेटा इंजीनियर्स को हायर करता है और एक डेटा पाइपलाइन बनाता है तो नेटफ्लिक्स की जो डेटा पाइपलाइन है वो ये है कि डेटा ये स्टोर करते हैं अमेजोन एस थ्री और हाइव के अंदर ये बेसिकली स्टोरेज सिस्टम्स हैं और ये बेसिकली स्ट्रीमिंग नहीं करते डेटा की ये बैच ई लगाते हैं यानी कि ये का इस्तेमाल करते हैं और आपको समझ आ गया होगा कि काफा क्यों करते हैं ये लोग बेसिकली बैच ई इस्तेमाल करते हैं और स्पार्क और हाइव कि तो आपके पास काफी सारी चॉइसेस हैं आप बैज जी टी काफका से भी कर सकते हो और आप स्पार्क से भी कर सकते हो ठीक है टेबल पार्टीशनिंग टेबल पार्टीशनिंग क्या होता है कि डेटाबेस को अपडेट बाय और भी करते हैं और बाय डे भी करते हैं अब जिन कंट्रीज में कंटेंट की कंज्यूमिंग कम है वहां बाय डे करते हैं और जहां पर इंडिया पाकिस्तान जहां पे लोग पूरा दिन देखते हैं नेटफ्लिक्स में वहां पर वो बाय और भी कर रहे होते हैं ये उनकी उनके ऊपर है और जो जॉब कैजुअल वो करते हैं कि कब कब आपका ये चीज रन होगी तो वो डेटा अवेलेबिलिटी पे भी बेस करता है और क्रोन पे भी करता है क्रोन क्या होता है क्रोन जॉब अगर आपने कभी डेवलपमेंट की है जब आपने किसी को ईमेल सेंड करनी होती है इस टाइम पे उससे हम क्रॉन जॉब कहते हैं तो जॉब ये बहुत क्रॉन से भी करते हैं और कभी कभी डेटा अवेलेबिलिटी कब डेटा लेट से आपके पास एक डेटा है जो कि प्रोसेस हो के डेटा वे उससे डेटा बेस में आने वाला है तीन दिन के बाद तो ये जॉब कैज करेंगे कि तीन दिन के बाद वहाँ से डेटा लेके और रिकमेंडेशन करने के लिए ठीक है तो ये बेसिकली डेटा अवेलेबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं और लेटेंसी ऑफन इज इन ऑर्डर ऑफ डेज इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा आपके मोबाइल से या आपकी नेटफ्लिक्स की ऐप से या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर आपकी वेबसाइट से नेटफ्लिक्स के सर्वर्स में आपके नाम पर जाता है उसको कुछ दिन लगते हैं उनके सर्वर तक जाते रहते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिन लगते हैं सर्वर के अंदर वो जो इंस्टेंटली चला जाता है ये प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ जो पूरा का पूरा उनका एक बैच ई लगा बैच का मतलब होता है डेटा बैजेस के अंदर आता है एक साथ एकदम नहीं आता ठीक है तो अब यहाँ पर आ जाओ नेटफ्लिक्स के पास जो चैलेंज था दुनिया का सबसे बड़ा जो कि हर स्ट्रीमिंग कंपनी का चैलेंज है नीड फॉर नियर रियल टाइम एक नियर रियल टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट करके देना है कस्टमर्स को कि वो क्लिक करें फौरन चले एक सेकंड का भी डिले ना आए ठीक है तो देखो सबसे पहले जो इसकी रियल टाइम की नीड थी हमारे पास चार पॉइंट में डिवाइड की हुई है इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ डेटा ठीक है प्रोसेस डेटा एज सुन एज पॉसिबल टू कीप लेटेंसी ले जब भी कोई कंटेंट आपके पास अपलोड हो रहा है नेटफ्लिक्स क्या करता है उसको जल्द से जल्द प्रोसेस करके इंडेक्स कर लेता है अब वो कैसे करता है वो इन भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि नेटफ्लिक्स की ये पाइपलाइन कैसे काम करती है और मिनिमाइज अमाउंट ऑफ डेटा टू प्रोसेस इन केस ऑफ फेलियर लेट्स से अगर आपको किसी जगह पे फेलियर आ जाता है आपका कोई कोई सर्वर क्रैश कर जाता है कुछ भी हो जाता है तो आपने उस सर्वर को या उस प्रोसेस को जो कि क्रैश कर गया उस पर मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है ताकि आपको वहां पर मसला ना आए लेट से अब मेरे यहाँ पर कहना लेट्स अगर पास चार कंप्यूटर चल रहे हैं जो कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं वीडियोस की तो आपने क्या करना है डेटा को इस तरह स्प्रिट करना है कि लेट्स से अगर एक डाउन हो जाए ना तो तीन पे प्रेशर पड़े पर इतना ना पड़े कि वो भी क्रैश हो जाए ठीक है आपने एक फिफ्थ कंप्यूटर ऑन कर देना है फोर्थ की बजाय ताकि वो लोड को बैलेंस कर सकें और सब कुछ ऑटोमेटिकली कर सकें क्रैश नहीं करने देना सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए कोई भी ठीक है उसके बाद वीडियो इनसाइट्स वीडियो इनसाइट्स का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन जब जनरेट करता है वीडियो इनसाइट्स की बेस पे वे ही करता है कि वीडियो कहाँ से है कौन मतलब एक्टर कौन है और सब कुछ चीज़ें ठीक है फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि कभी भी आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए ये सब कुछ अब बड़े ये टर्म्स हैं सिस्टम डिज़ाइन की अब uh, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है तो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस भी आपको बनानी पड़ेंगी रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए एक आपको सिंपल सा थोड़ा सा बताने के लिए कि लोग जो मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग करते हैं ना मशीन लर्निंग इतनी सिंपल नहीं है नेटफ्लिक्स ने वन मिलियन डॉलर का इनाम रखा था पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया था कि आप आओ आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ तो हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आपके रिकमेंडेशन सिस्टम ने हमारे को हरा दिया तो एक टीम थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टीम थी उन लोगों ने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया और उन लोगों ने नेटफ्लिक्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया और एक मिलियन डॉलर नेटफ्लिक्स ने उनको ने 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 दिया लेकिन अब सुनो मज़े की बात आज तक वो सिस्टम नेटफ्लिक्स ने अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया सही है वजह क्या है ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे सिंपल सी बस इतना समझ लो कि सिस्टम्स को बनाना बहुत आसान है जब एक स्केल पर डिप्लॉय करने की बारी आती है ना तब पता लगता है कि रियल इंजीनियर कौन है और एक सिंपल इंजीनियर कौन है मतलब असल पापी आदमी कौन है ठीक है हाउ नेटफ्लिक्स ऑन बोर्ड न्यू कॉन्टेंट तो ये अगर मैंने आपको जब बताया था कि जो हमें इंक्रीजिंग ऑफ डेटा और वीडियो साइट्स को टॉलरेट करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि नेटफ्लिक्स नया कंटेंट ऑन बोर्ड लेके कैसे आता है ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स नया कंटेंट कैसे ऑन बोर्ड करता है लेट से अब हम सिनेरियो क्रिएट लेके चलते हैं कि आप एक डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो मूवी के चलो प्रोड्यूसर ले लो आप एक प्रोड्यूसर हो और आप नेटफ्लिक्स के पास जाते हो कि मैं ये मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्या नेटफ्लिक्स स्पॉन्सर करेगा ठीक है तो वो कहता है आपको कि ठीक है जी हम करते हैं और आपको कहता है नेटफ्लिक्स ठीक है आप हमें मूवी बना के तो हार्ड ड्राइव में दे दो हम उसको जो है ना ऑन बोर्ड कर लेंगे नए कंटेंट पे तो अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कितना आसान है एक वीडियो एक साइट पे अपलोड करना ठीक है तो अगर आप लोगों ने कभी डेवलपमेंट वगैरह की है या कभी कुछ सिस्टम बनाया जो कि वीडियो अपलोड सिस्टम हो तो आप लोगों को पता है कि आपने सिंपल एक फाइल का टैग लगाना है एस का ठीक है और अगर आप पी में या किसी भी बैकेंड में काम कर रहे हो तो आपने एक पोस्ट रिक्वेस्ट लिखनी है ठीक है ऐप डॉट पोस्ट और पोस्ट में आपने कहना है कि भाई एक फाइल आ रही है आपने उस फाइल का जो की है वो पास करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर और आपने उस फाइल को गेट करके फाइल डॉट सेव करना है और वो आपके सर्वर पे स्टोर हो जाएगी ऐसे ही करते हो ना आप अभी इमेज अपलोड भी वीडियो अपलोड भी और वो जो इंटरनेट स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या लगता है ये चीज़ एक मिलियन यूजर्स के लिए वैलिड है ठीक है एक मिलियन आपके पास एक्टिव यूजर जो रोज़ आपकी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपका एक सिस्टम चल रहा है जो कि ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कॉन्टेंट करो वीडियो को स्टोर करी जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये आपके आंसर मैं बाद में, में देखूँगा मुझे चैट में आंसर देते रहना ठीक है तो अब हम डिस्कशन करने लगे हैं कि नेटफ्लिक्स कैसे करता है न्यू कॉन्टेंट को ऑन बोर्ड दो मिनट मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दो चैट में खुद बताओ मुझे कि कैसे ऑन बोर्ड करेंगे इतने बड़े स्केल ऑफ़ यूजर्स के लिए कि साइड भी इफेक्ट ना हो कंटेंट भी आ जाए और वो ऑप्टिमाइज भी हो तो अगर किसी के दिमाग में कोई आंसर है तो आप लोग चैट में लिखो तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो मैं एक बार चैट खोल के देख लेता हूँ अगर किसी को है इसके बारे में कोई आइडिया या आपको पता चल रहा है कि कैसे होगा ये तो आप मुझे बताओ काफ़ का टॉपिक्स का बताऊँगा ठीक है अभी वैसे कि आज काफ़ का पे नहीं है ठीक है तो किसी को हाई समझ अपलोड की अलग सर्विस तो मैंने आपको बोला पहले से बनी हुई है ना आपके पास नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी अपलोड की सर्विस बनाई हुई है मैं पूछ रहा हूँ प्रोसेस क्या होगा काफ का टॉपिक्स मैंने आपको बताया आपको बताऊंगा बाकी तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है चलो फिर मैं आपको बताता हूँ फिर आप देखना। तो अपने आंसर दे लो सारे मुझे अच्छा तो हम आगे चले गए नेटफ्लिक्स ऑन बोर्ड्स न्यू कॉन्टेंट तो ये मैंने लिखा है नेटफ्लिक्स वीडियो ऑन बोर्डिंग छः पाँच स्टेप्स में डिवाइड की गई है मैंने ये सेशन पहले करवाया हुआ इसलिए मेरे पास पहले से पढ़ा था वो लिखने में टाइम बहुत लगता है तो मैंने कहा कि जो पहले वाला लोड है जब वही टाइम लोड कर लेते हैं ना दोबारा तो नेटफ्लिक्स कैसे करता है अब देखो सबसे पहला चैलेंज आपके पास वीडियो में हमेशा ना जब आप बस प्रॉब्लम आती है ना कोई भी कंपनी के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ठीक है कि मसले क्या क्या हैं मसलों को टेम्परेली सॉल्व करेंगे ठीक है तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि सबसे पहले आपके पास मसला है वीडियो के कोडेक्स का ठीक है वीडियो कोडेक आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है अब वीडियो कोडेक का क्या मतलब है डॉट एम के वी डॉट एम पी फोर ठीक है अब नेटफ्लिक्स क्या करता है एक वीडियो को जिस कोडेक में वो आई है उसके अलावा डिफरेंट कोडेक्स में कन्वर्ट करता है सबसे पहला काम तो ये करते हैं ठीक है और सेकेंड स्टेप नेटफ्लिक्स क्या करता है के वीडियो की जो रेजोलूशन हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर इंटरनेट स्लो है वहाँ पर आपकी वीडियो चलती है टू फोटी पी थ्री सिक्सटी पी के अंदर लेकिन जहाँ पर आपका इंटरनेट स्टेबल है वहाँ पर वन टेन एटी पी में चलती है कैसे चलती है नेटफ्लिक्स क्या करता है कोई भी वीडियो आती है वो हमेशा आपके पास फोर के अंदर होती है जो रिकॉर्डिंग की जाती है जो वीडियो शूट की जाती है यानी कि जो मूवी शूट, शूट की जाती है उसका जो नेटफ्लिक्स को रिकॉर्ड मिल दिया जाता है जो एक फ़ाइल दी जाती है वो हमेशा फ़ोर के अंदर होती है मोस्टली ठीक है नेटफ्लिक्स का वीडियो रेजोल्यूशन सिस्टम उसको तोड़ता है डिफरेंट रेजोल्यूशन के अंदर ठीक है क्या करेगा नेटफ्लिक्स एक वीडियो को लेगा उसका 720p बनाएगा उसका 480p बनाएगा 360p बनाएगा ठीक है 720p बनाएगा और सारी चीज़ फॉर्मेट्स बना के उन सब को डेटा में स्टोर करना है ठीक है अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि ज़रा अंदाज़ा लगाओ एक वीडियो के चार कोडेक्स हैं लेट्स से ठीक है है हो गया आर आपके पास सात हैं कितना बनता है? एक को 28 दफा स्टोर किया जाता है यानी कि एक ही मूवी है वो 28 फॉर्मेट्स में के पास स्टोर होती है समझ रहे हो मतलब इस चीज की कम्प्लेक्सिटी को सोचो और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचो जरा कि एक ऐसा वीडियो कोडेक्स सिस्टम ऑनबोर्डिंग सिस्टम आपको डिजाइन करना पड़े और नेटफ्लिक्स में आप जॉब के लिए अप्लाई करो एज अ बैक एंड इंजीनियर नेटफ्लिक्स आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि हमारा जो वीडियो ऑन बोर्डिंग सिस्टम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो तो सोचो जरा कि ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं बतानी मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी को छोड़ दो यूनिवर्सिटी भूल जाओ कि वहाँ जाते भी हो आप ठीक है यो को बताएगा ये आपने खुद सर्च करना है नेटफ्लिक्स इंजीनियरिंग की वेबसाइट पर जाओ उनके ब्लॉग पढ़ो समझ आ जाएगी ठीक है तो अब आपके पास प्रॉब्लम यह आगी कि आपके पास ट्वेंटी एट फॉर्मेट्स में वीडियो है उसको आपने स्टोर करना है तो यहाँ पर आपके वो पाइपलाइन का पहला स्टेप आएगा कि आप एस थ्री में स्टोर कर रहे हो गए या हाइव में स्टोर कर रहे हो गए ठीक है तो हम थ्री स्टेप पे चले गए हमने वन भी कर लिया हमने कोडेक चेंज कर लिया हमने वीडियो की रेजोल्यूशन चेंज कर ली हमें पता चल गया कि हमारे पास अठाईस टोटल फॉर्म अठाइस वीडियोज हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमने उनको स्टोर कर लिया पर अब मुझे ये कौन बताएगा कि नेटफ्लिक्स ये डिसाइड कैसे करता है अब यहाँ पर ये वो चैलेंज है जो कि नेटफ्लिक्स से पहले कभी किसी ने आज तक सॉल्व नहीं किया था ये फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने चीज़ इंट्रोड्यूस की इससे पहले कभी किसी ने चीज़ सोची नहीं थी ठीक है आ, कि वीडियो को चंक्स में ब्रेक किया जा सकता है ठीक है आ, पहले क्या होता था अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी है तो इंटीग्रेशन में आपने पता होगा कि आप एक रेक्टेंगल को बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसको आ, बिल्कुल अनसीन रेक्टेंगल्स में तोड़ देते हैं इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ी है ठीक है तो दुनिया सारी क्या करती थी पहले सुनो था नेटफ्लिक्स भी यही करता था दुनिया भी यही कर रही थी क्या करते थे वीडियो को तोड़ते थे चंक्स के फॉर्मेट में लेट्स से Uh, आपके पास एक ट्वेंटी मिनट वीडियो है हम एक्जाम्पल लेके चल रहे हैं ट्वेंटी मिनट्स की ठीक है चलो लेट्स से ट्वेंटी मिनट्स की है और नेटफ्लिक्स के डेटा इंजीनियर से डिसाइड करते हैं कि हम इस वीडियो को चार हिस्सों में तोड़ेंगे फाइव फाइव मिनट्स में ठीक है और हम क्या करेंगे फाइव मिनट्स के चंक फाइव मिनट्स का चंक फाइव मिनट्स का चंक और फाइव मिनट का चंक चार चंक है हमारे पास हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइन बनाएंगे कंप्यूटर्स की जो कि पैरेलली कनेक्ट होंगे और पांच पांच कंप्यूटर होंगे हम एक एक कंप्यूटर कहे किसा एक एक आपके चंक को दिए जाएंगे और वो उसको प्रोसेस करेगा जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा हम उसको जोड़ के एक वीडियो बना के डेटाबेस में स्टोर कर देंगे एस थ्री में ले जाएंगे एमजॉन एस थ्री में ठीक है एडब्ल्यू एस में तो ये सारी दुनिया कर रही थी नेटफ्लिक्स भी ये कर रहा था लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा था अब मेरी बात सुनो लेट्स से आपके पास एक चंक प्रोसेस किया गया है फाइव मिनट्स के बाद और नेक्स्ट चंक प्रोसेस किया गया नेक्स्ट फाइव मिनट्स यानी कि फाइव फाइव मिनट्स के चंक जो तो तो बीच में एक गैप आया जब यूज़र वो वीडियो देख रहा है तो नेटफ्लिक्स का मसला क्या आ रहा था कि जब यूज़र फिफ्थ मिनट पर जा रहा था ना तो नेक्स्ट जो चंक था उसको आपने ए कॉल से लेके आना ना बिकॉज आपने तो चंक्स के फार्मूला स्टोर किया हुआ है तो आपने क्या करना है आपने देखना है कि यूज़र पाँचवें मिनट पर चला गया तो मैंने अब अगला पाँच मिनट का डेटा जो स्टोर किया है वो लेके आना है अपने पास तो ये एक नेटवर्क कॉल जाएगी सर्वर को सर्वर आपको वो वीडियो एस थ्री से लगा के देगा नेक्स्ट फाइव मिनट्स की ताकि आप नेक्स्ट फाइव मिनट्स देख सको अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट फाइव मिनट पर क्लिक करते थे ना जैसे तो नेटफ्लिक्स को लैक करता था और नेटफ्लिक्स का वो घूमना चलिए तो व्हाइट कलर वाला वो घूमता होता है ठीक है जिस, इंतजार जिससे आप सबको नफरत है ठीक है तो अब ये नेटफ्लिक्स का मसला ये पूरी दुनिया में यही मसला है जब भी आप देखते हो ना कि वो वीडियो लोड नहीं होती वो ये होता है कि जो ए कॉल है जो कंपनी अपने सर्वर को एक ए कॉल करती है कि नेक्स्ट फाइव मिनट की वीडियो लेके आओ ठीक है तो कभी भी याद रखना आ, कभी भी नेटफ्लिक्स का यही तो एक राज है जब भी आप वीडियो ऑन करते हो या मूवी ऑन करते हो नेटफ्लिक्स कभी भी पूरी वीडियो लोड करता ही नहीं है याद रखना इससे तो इतना स्मूथ है अगर आपने कभी नोट किया है अगर आप जाओ ना यूट्यूब के अलावा अगर आप उस पर जाओ क्या नाम है उसका डेली मोशन पे जाओ या आप उस पर जाओ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वीडियोस की वाईमो कहीं भी चले जाओ वीमो पे चले जाओ तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे ना एक लैग आता है रिसोर्सेज को लोड करने में बेशक आपका एनर्जी जितना मर्जी दिया जाए वो इसीलिए लिए बिकॉज वो लोग इतना रिस्पॉन्सिबल कोडैक नहीं बनाते यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की यही खासियतें कि इन लोगों ने इस टेक्निक को मैं लेकिन अभी भी टेक्निक मैंने आपको बताई नहीं है अंदर की बात अभी बतानी है इसके बाद होता क्या है तो अब मसला ये आ रहा था कि जब पाँच मिनट के बाद अब नेटफ्लिक्स को कह रहे थे कि मुझे अगले पाँच मिनट दिखाओ तो वो लोग क्या करते थे एक ए कॉल करते थे नेटवर्क को और कहते थे भाई नेक्स्ट फाइव मिनट की वीडियो लेके आओ तो हमने अपने कस्टमर को दिखानी अब वो जो नेक्स्ट फाइव मिनट की वीडियो आने में जितना टाइम लगा उतनी देर में वो आपको गोल पर घूमा नजर आएगा तो अब नेटफ्लिक्स को फिर परेशानी लागी कि ये क्या हो गया अब क्या करें ठीक है अब मुझे कौन बताएगा कि अब नेटफ्लिक्स क्या करें बताओ चंक्स में तो हमने तोड़ लिया अब मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ना अहमद ने पहले ये सेशन लिया हुआ है अहमद को सब कुछ पहले से पता है हाँ अच्छा नेटफ्लिक्स क्या करता है अब सुनना जरा मज़े की बात ये चीज़ ना गूगल ने कभी सोची थी ना कभी किसी और ने सोची थी नेटफ्लिक्स ने क्या बोला भाई हम लोगों हम टाइम स्टैम में तोड़ेंगे ही नहीं वीडियो हम वीडियो को तोड़ेंगे सीन्स में अब मैं आपको बताता हूँ चलो सलमान खान की मूवी की एग्जाम्पल ले लेते हैं सलमान खान की मूवी में एक्शन सीन और क्लाइमैक्स जब आता है आपको पता नेटफ्लिक्स को ये पता है अब मैं अब ये पहले मेरी बात सुन लो कि नेटफ्लिक्स को ये पता है कि आपने कब लैंग्वेज चेंज की वीडियो की कब आपने उसका फॉर्मेट चेंज किया कब आपने वो लोड की ठीक है कितने कि, कि, कितनी आपने देखी फिर आपने बंद कर दिया ठीक है और कब कब आपने उसको पॉज कर करके देखा अब नेटफ्लिक्स ने एक ए सिस्टम बनाया है यहाँ पर आती है ए ठीक है नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा ए सिस्टम बनाया हुआ है जो कि लिसन करता है आपके इवेंट्स पे जो कि आप काफका में जाते हैं ठीक है, है ना सैवन जो आपने देखा था ना काफका टॉपिक्स सात सौ काफका के टॉपिक्स नेटफ्लिक्स जिनको लिसन कर रहा होता है आप जब भी कुछ इवेंट यानी कि नेटफ्लिक्स की स्क्रीन के ऊपर जब भी आप कोई कुछ भी टच करोगे ना वो एक इवेंट है आपका एक एक सिंगल क्लिक नेटफ्लिक्स के पास एक इवेंट रजिस्टर करता है ठीक है वो इवेंट जाते हैं काफका के पास काफका उसको प्रोसेस करके आगे दे रहा होता है डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर्स को वो देख रहे होते हैं तो नेटफ्लिक्स ने क्या बोला एक ऐसा एलगोरिदम बनाया जाए जो कि उन इवेंट्स को इनपुट ले ठीक है और वीडियो को कन्वर्ट करे दो सीन्स के फॉर्मेट में एक स्पार्स सीन और एक डेंस सीन अब नेटफ्लिक्स ने क्या कहा नेटफ्लिक्स ने देखा कि लेट से दो घंटे की मूवी है आपने पहले पंद्रह मिनट कंटिन्यूअसली देखे एक से लेकर पंद्रह मिनट तक आपने कंटिन्यूसली देखी आपने बीच में स्किप नहीं किया वीडियो को नेटफ्लिक्स उस पंद्रह मिनट के सीन को डेंस रजिस्टर करके डेटा स्टोर कर देगा कि ये सीन डेंस है जब तक मेजोरिटी ऑफ यूजर उसको डेंस देखते रहेंगे वो डेंस रहेगा जैसे ही लेट से पंद्रह यूजर ने उसको डेंस देखा

तो नेटफ्लिक्स क्या करता है सारे के सारे डेंस सीन को पहले से लोड करके रखता है अपने आपकी वीडियो के अंदर ठीक है वो ए कॉल नहीं करता डेंस सीन के लिए नेटफ्लिक्स ए कॉल करता है सिर्फ और सिर्फ स्पार सीन के लिए ठीक है नेटफ्लिक्स को ये पता है कि कब आप डेंसली मूवी देखते हो और कब आप स्पार्सिटी के साथ देखते हो जब आप स्पार्सिटी का देखोगे ना तो अगर आपने स्किप करके नेक्स्ट पे जाना तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा उस पर ए कॉल नहीं करेगा वो उसको पहले से लोड रखेगा बिकॉज उसको पता है कि आपने डायरेक्ट वहां पर पहले से जाना है और आप स्किप कर करके जाते हो तो नेटफ्लिक्स ने पहले से उसको स्टोर किया होगा वो वहाँ पर ए पी आई कॉल नहीं करेगा और उसको ये पता है कि डेंस में आपने आराम आराम से देखनी है तो वो उसमें उसको मसला है ही कोई नहीं उसने पहले से आपके लिए पंद्रह मिनट लोड करके कर रखे हुए डेंस के अंदर तो नेटफ्लिक्स इस चिल ठीक है और नेटफ्लिक्स को टेंशन कोई नहीं आपको लैग नहीं आता आपको घूमता हुआ देखना नहीं पड़ता वाइट कलर का निशान और आप कहते हो नेटफ्लिक्स बहुत मजे की चीज़ है ठीक है तो ये सिस्टम आज से पहले ना कभी किसी ने इंप्लीमेंट किया था ना गूगल ने ना फेसबुक ने सब ने बाद में किया है नेटफ्लिक्स को देख इसलिए नेटफ्लिक्स दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बनी है अब आपको एक रास पता चला कि हाउ कंपनीज बिकम बिलियन डॉलर अब कंपनीज बिलियन डॉलर कैसे बनती हैं ठीक है इसे कहते हैं रिसर्च जब आपकी कंपनी रिसर्च में पैसा लगाएगी वो बिलियन डॉलर बनेगी ठीक है और लास्ट अभी पॉइंट बताता हूँ पहले एक चीज और अंडरस्टैंड कर लो स्पार्स और डेंस का मैंने आपको बता दिया कि नेटफ्लिक्स अब याद रखना जब भी आपकी मूवी देख रहे होगा और पंद्रह मिनट तक देखोगे ना तो याद रखना कि नेटफ्लिक्स ने उस सीन को आपके लिए आपके अकाउंट के रिस्पेक्ट में डेंस स्टोर कर दिया है नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोड करोगे तो आपको पूरा सीन नेटफ्लिक्स प्रीलोड करके दिखाएगा और जब भी आप स्पार्स में जाओगे तो वो ए कॉल नहीं करेगा वो आपके लिए पहले से हाइव से ले आएगा डेटा को और आपको स्पार्स सीन डायरेक्ट शो करवाएगा विदाउट लैग के आए ठीक है तो आप तो यूट्यूब भी यही करता है मोस्टली लेकिन मैं आपको सर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीखो नेटफ्लिक्स से ठीक है कि कैसे सिस्टम अब ये सारा काम किसने किया ये सारा काम डेटा इंजीनियर्स ने किया हुआ है नेटफ्लिक्स के लिए अब अगर नेटफ्लिक्स के पास अच्छे डेटा इंजीनियर ना होते तो क्या नेटफ्लिक्स बिलियन डॉलर होती हाँ या नहीं मैं जवाब दो और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अभी भी उनका उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली नेटफ्लिक्स को वो भी, भी चाहते थे कि बिल्कुल नियर रियल टाइम हो अब आपको एक परेशानी में और होता तो नेटफ्लिक्स की बल, उनके लिए तो परेशानी नहीं आपके लिए होगी नेटफ्लिक्स के सो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन होते हैं एक रिकमेंडेशन सिस्टम को चलाने के लिए उनके 117 के करीब मशीन लर्निंग के एलगोरिजम हैं जो वो रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली सिर्फ एक रेकमेंडेशन को जनरेट करने के लिए ठीक है और इससे आप मशीन लर्निंग की दुनिया में कहते हो एनसेम्बल लर्निंग अभी मैंने आपको वो पार्ट नहीं दिखाया रिकमेंडेशन वाला बिकॉज वो बहुत लंबा चला जाएगा सेशन फिर मैंने आपको सिर्फ वीडियो ऑन बोर्डिंग की कंप्लेक्सिटीज बताई है ठीक है अहमी तो नहीं वो लोग दे, डेढ़ डेढ़ करोड़ देते हैं इंजीनियर्स को अपने ईयर की सैलरी इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनको काम करके देते हैं अच्छा अब नेटफ्लिक्स ने बोला ठीक है आई एम वेरी सेटिस्फाइड मैं बहुत चिल लूँ क्योंकि लोग चिल रहे हैं तो हम चिलें है। तो लेकिन अभी भी ना नेटफ्लिक्स को अंदर से दिल में ना कुछ था बस कि मतलब नहीं अभी भी मज़ा नहीं आया अभी कुछ और करना है उन लोगों ने फिर इंजीनियर्स को बिठाया और उन्होंने कहा बताओ और अब क्या करें कुछ और करो मज़ा आए थोड़ा सा और बिल्कुल ही लैग ना आए बिल्कुल खत्म लैग का नाम ही ख़त्म कर दो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से उन्होंने क्या बोला उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा करें जो कंट्री हम कंट्री वाइज सर्विसेज दे रहे हैं ना हम कंट्री के आईएसपी के पास जाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हम उसे कहते हैं भैया क्या करो हमसे एक बॉक्स ले लो ठीक है बॉक्स का नाम होगा ओपन कनेक्ट ठीक है ओपन कनेक्ट में कनेक्ट के स्पेलिंग के आई थिंक सी नहीं है ठीक है तो नेटफ्लिक्स ने क्या बोला उनके इंजीनियर नेटफ्लिक्स को कहा कि आप काम करो आप जाओ आई के पास जो कि कंट्रीज के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोलो कि हमसे एक डिवाइस लो ओपन कनेक्ट ये अपने सर्वर में इंस्टॉल कर दो और आपके रीजन की या आपके कंट्री की जो भी मूवीज मोस्टली देखी जाती है ना हम वो अपने डेटा सेंटर से आपके इस ओपन कनेक्ट सेंटर में यानी कि जो आपका डेटा सेंटर पाकिस्तान का आई एस का है ओपन कनेक्ट बॉक्स में सेंड कर देंगे तो आपने कभी भी कॉल नहीं करना हमारे डेटा सेंटर को वहां पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए आपको जो मूवी की रिक्वेस्ट है आप उसको इस ओपन कनेक्ट में से दिखाओ ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ नेटफ्लिक्स ओपन कनेक्ट ओपन कनेक्ट ओपन कनेक्ट सी ही है मुझे तो ये नेटफ्लिक्स का लास्ट चाल थी दुनिया को और अच्छा बनाने की ठीक है तो ये बेसिकली आपके इस तरह से ये बॉक्सेस हैं रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये एक डेटा सेंटर है जो कि किसी आईएसपी का है पाकिस्तान में पी बहुत पॉपुलर है और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन नेटफ्लिक्स ने क्या किया उसने रीच किया आपके कंट्री के डेटा सेंटर्स को जो कि कंट्री के आई हैं उन्हें बोला कि हमसे ये बॉक्स ले लो हम अपनी सारी मूवीज अपनी सारी सीजन आपको इस बॉक्स में भेज देंगे जो कि आपकी कंट्री में देखे जाते हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ़ अपने कस्टमर्स को यहाँ से लेके दिखाना है आपने हमारे सर्वर्स को कॉल नहीं करना सर्वर पे बोझ नहीं डालना तो इस तरह नेटफ्लिक्स और फास्ट हो गया और बिल्कुल जो लैग था वो भी खत्म हो गया बिकॉज अब याद रखना जब भी आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जो कि पाकिस्तान में बहुत देखी जा रही है तो कभी भी आप डेटा सेंटर अमेरिका में नहीं आपका सर्वर कॉल करेगा वो हमेशा आपको आपके लोकल आई के ओपन कनेक्ट बॉक्स से ही दिखा रहा होगा याद रखना ठीक है और जब आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जो कि ओपन कनेक्ट में नहीं है तो जैसे ही आप उसको देखोगे ओपन कनेक्ट बॉक्स को ये पता है कि ये मूवी मेरे अंदर स्टोर्ड नहीं है जैसे उसको ये रिक्वेस्ट आएगी वो फौरन नेटफ्लिक्स के सर्वर को हिट करेगा कहेगा मुझे ये मूवी दो जैसे ही वो मूवी इसके पास आएगी इसको कैश कर लेगा अपने पास और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो रिक्वेस्ट करोगे आपको मूवी ओपन कनेक्ट बॉक्स दिखाएगा ना कि नेटफ्लिक्स के, के सर्वर तो इससे उनका सिस्टम और स्ट्रॉन्ग और फास्ट और बिल्कुल ही अनलैगी हो गया ये सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स की वीडियो ऑन की कहानी थी अभी अगर मैं आपको रिकमेंडेशन में डाल दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे कि ये लोग इतना सोचते कैसे हैं ठीक है रिकमेंडेशन में आपके पास 117 के करीब जो मैंने ब्लॉग देखा था 117 के करीब इनके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो साइमल्टेनियसली काम करके इंसेंबल करते हैं आपकी रिकमेंडेशंस को और वो फिर आपको सेंड की जाती हैं यूजिंग जो भी उन्होंने सर्विस बनाई हुई है अपने तो रिकमेंडेशन की ठीक है वापस आते हैं स्लाइड्स पे तो अब आप आई होप कि आपको नेटफ्लिक्स का वीडियो ऑन बोर्डिंग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा नेक्स्ट चीज पे चलते हैं वीडियो ऑन साइड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर वीडियो साइट्स का मतलब है कि नेटफ्लिक्स ये कैसे पता लगाता है कि कहाँ से वीडियो आ रही है बिकॉज उन लोगों का एक डैशबोर्ड से कि जो उन्होंने अपने बिजनेस इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स को देना होता है ठीक है तो वो आप देखो नहीं आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है ये पता नहीं मेरी ये चीज क्यों शो हो रही है मिनट रुको जरा मैं जरा ये बंद कर लूँ तो वीडियो एंड साइट्स का मतलब ये है कि वीडियो कहाँ से देखी जा रही है मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ नेटफ्लिक्स को पता होती है कि आपने कितनी देखी कहाँ से देखी वो वीडियो एंड साइट्स की इनकी पाइपलाइन वो इनको देती है अब देखो जरा ये करते क्या है काफका सबसे पहले मैं बताया काफका का इज़ काफ का, काफ़ काफका ही हर चीज़ है अगर आप काफका सीख गए ना बिग डेटा में तो काफ़ी कुछ सीख दो काफका एक मैसेज की हुआ है मैसेज ब्रोकर है ठीक है ये मैसेजेस लेता है आपसे इवेंट्स को लेता है तो आपने कोई मोबाइल पे कुछ टच किया काफका में इवेंट आया उसको स्ट्रीम किया गया पाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू उस इवेंट को स्टोर किया गया Amazon एस थ्री के अंदर और Apache Spark के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ठीक है और उसको वापस Apache स्पार्क को दिया गया जिसने उस पर प्रोसेसिंग की पायस ने और उसको स्टोर किया गया कसेंड्रा कसेंड्रा के अंदर कसेंड्रा क्या है कॉलम डेटाबेस ठीक है ना अब कॉलम डेटा बेस क्या होती हैं ये आपको बिग डेटा में पता चल जाएगा बिग डेटा सीखना शुरू कर दो आपको कसेंड्रा का पता चल जाएगा तो कसेंड्रा भी एक नो एस क्यूएल है एक तरह से लेकिन ये एक कॉलम डेटा बेस है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्लस्टर्स पे चलती है तो बिग डेटा में बहुत इस्तेमाल की जाती है तो आप आचिस पार्क ने कसेंड्रा को दिया कसेंड्रा ने उसको सर्विस में पास किया सर्विस ने क्या किया उसका एक डैशबोर्ड बनाया अभी सर्विस आपका टैबलो भी हो सकती है पावर बी भी, भी हो सकती है जो आप चाहो वो ये हो सकता है लेकिन जो वीडियो इन साइट की नेटफ्लिक्स पे पाइपलाइन है वो काफका से ये मैसेज क्यों ले रहे होते हैं इनपुट ले रहे होते हैं स्पार्क से इसको स्ट्रीम कर रहे होते हैं अमेजन ए डब्ल्यू एस में स्टोर कर रहे होते हैं एस थ्री के अंदर और Hive में भी स्टोर करते हैं कभी कभी और ये बेसिकली फिर उसके बाद स्पार्क को देते हैं स्पार्क जो है पाए स्पार्क वो इस पर प्रोसेसिंग करता है डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से फिर का में स्टोर होता है और उसके बाद फिर आप पावर भी आए या टेबलो जो भी आपके पास है उसको देख के आप एक डैशबोर्ड ले लेते हो कि ये वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी गई है कौन से कंट्रीज थे कौन सा यूजर था कहाँ कहाँ क्लिक किया वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि नेटफ्लिक्स को पता है कि कौन सी लैंग्वेज में देखी कितने रेजोल्यूशन में देखी कितनी देखी कब छोड़ी कब आगे किया कब पीछे किया ठीक है थम्स अप दिया कि थम्स अप नहीं दिया अब ये सारा कुछ अब जरा इमेजिन करो कि ये चीज़ें कितनी क्रिटिकल हैं अगर एक कंपनी के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो वो बिजनेस को बढ़ाएंगी कैसे ठीक है तो अब आप समझ रहे हो कि डेटा इंजीनियर की कितनी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की ग्रोथ के अंदर कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज करने में और कंपनी को अपनी मुश्किल से बाहर निकालने में डेटा इंजीनियर एक वाद वो बंदा है जो सबसे पहले खड़ा होता है अब याद रखना डेटा साइंटिस्ट इज डिफरेंट डेटा साइंटिस्ट उस डेटा पे काम करता है जो उसको डेटा इंजीनियर ने बना के दिया होता है अगर डेटा ही अच्छा नहीं देगा डेटा इंजीनियर तो डेटा साइंटिस्ट क्या उखाड़ लेगा समझ रहे हो तो डेटा इंजीनियर एक क्रिटिकल रोल है बहुत ही कम्प्लैक्स रोल है मैं अभी जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वहाँ मैं एज आ डेटा इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ लेकिन मैं इंटर्न हूँ ठीक है तो आपको सिर्फ एक स्केल के लिए बता रहा हूँ उनकी एक ऐप एक उनकी सात ऐप्स हैं प्ले स्टोर पर और फोटी मिलियन डाउनलोड्स हैं टोटल पाँच मिलियन उनके एक्टिव यूजर हैं जो डेली ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया उनकी एक ऐप का एक दिन के अंदर पाँच जी बी डेटा जनरेट होता है सिर्फ और सिर्फ एक फायर बेस इवेंट से अभी मैंने इसमें एड मॉब एड सेंस फेसबुक एड्स वगैरह कुछ नहीं डाला मोनेटाइजेशन को भी बिल्कुल साइड पर रख दो ठीक है और सात ऐप्स हैं अगर एवरेजली तीन जीबी का भी लेके चलो तो इक्कीस जीबी का डेटा एक दिन में वो कंपनी जनरेट कर रही है पर वो एक स्टार्टअप है तो उनके पास अभी डेटा इंजीनियर्स नहीं है ठीक है तो वो पाइपलाइन ये वाली पाइपलाइन हम उनको बना के दे रहे हैं यानी कि मैं एज एन इंटर्न उनको बना के दे रहा हूँ ठीक है और रिकमेंडेशन की फिर पाइपलाइन है ये मैंने आपको बताया था कि एक मॉडल नहीं है अगर आप देखो तो मिलियंस ऑफ प्ले रेटेड सिग्नल सिग्नल्स आपके पास आए जो भी आपने वीडियो प्ले की सिग्नल आ गया काफका के पास काफका ने उसको स्ट्रीमिंग यानी कि पापार्क स्ट्रीमिंग में दिया फिर ट्रेनिंग की पाइपलाइन चल रही है वो भी स्पार्क से चल रही है पाय स्पार्क में बताइए पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग करता है तो नीचे आपके मॉडल्स हैं मना है आपको एक के करीब मॉडल्स हैं जो कि आपको डेटा दे रहे हैं और एक प्री कंप्यूट पहले से किया होता है आपके लिए रिकमेंडेशन एक वो लाइव करते हैं नए डेटा की बेस पे और रैंक करते हैं सबसे पहले ठीक है जब आपने रिकमेंडेशन बनाया ना सबसे पहले आप वीडियोज को रैंक करते हो और रैंक करने के बाद आप उनको स्टोर कर देते हो कैश के अंदर यानी कि एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर और याद रखना नेटफ्लिक्स जब भी आपको थम शो करवाता है लेट्स से अगर मैं आपको नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर लेके जाऊँ अभी तो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कल को अगर आपने कोई इस तरह का सिस्टम या स्टार्टअप करना है तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं तो नेटफ्लिक्स पे जो आपको अभी मैं कोई आपको चीज दिखाता हूँ आपको समझ आएगी तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जब आप जाओगे तो ये जो आपको पीछे ये शो होती है ना या जो भी आपको वीडियो शो हो, हो रही हैं ये याद रखना कभी भी वीडियो पूरी नहीं वो आपको दिखा रहे वो सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज का थंबनेल भेज रहे होते हैं जब आप उस वीडियो उस पर क्लिक करते हो ना वीडियो के ऊपर तब वो वीडियो को एपीआई रिक्वेस्ट करके कॉल करते हैं डेंस को भी स्पार्स को भी ठीक है लेकिन जब आप वीडियोस देख रहे हो सिर्फ एक कॉलम के अंदर जो कि वो बॉर्ड लगा होता है स्क्रोल कॉलम रो स्क्रोल है ना नेटफ्लिक्स के ऊपर तो वो जब भी आप उसको स्क्रोल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कैश में से आपको इमेजेस दे रहा है जो कि रिकमेंडेशन ने जनरेट की हुई है आपके लिए ये चीज़ आप देख रहे हो ना ये वाली कि ये क्या करता है सारी इमेजेस को उनके जो टाइटल्स सब टाइटल्स टाइटल्स और मूवी का टाइटल है उसका जो डिस्क्रिप्शन है और उसकी जो तो इमेज है वो सब कुछ आपके लिए रैंक करके कैश में स्टोर कर रहा है डेटा स्टोर में ठीक है ऑनलाइन कैश होती है तो जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हो तो वो आपको ट्रेंडिंग पॉपुलर ये जो सारा कुछ रिकमेंडेशन शो शो कर रहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक कैश में से आ रही है ये पूरी वीडियो होती ही नहीं है कभी भी यूट्यूब भी ऐसे ही करता है जब आप यूट्यूब पर वीडियो खोलते हो ना आपको जो राइट साइड में पूरी एक लाइन शो हो रही होती है ऊपर नीचे तक रिकमेंडेशन वो सारी रिकमेंडेशन होती हैं ठीक है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कैश इमेज होती है जो कैश में पड़ी होती है और आपको वो सेंड कर देते हैं लेकिन वो कभी भी आपको रियल वीडियो नहीं दिखाते अपने टॉप पे ठीक है वीडियो हमेशा आपके क्लिक करने के बाद ही एपीआई रिक्वेस्ट से आती है तो ये है नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन की पाइपलाइन अब यहाँ पर ये चीज एक सौ सत्रह हैं, ये एक्सप्लेन करने का नहीं है कि ये कैसे इंसेंबल किए जाते हैं कैसे इनको जोड़ा जाता है ठीक है ये किसी और दिन बात करेंगे जब कभी कर मशीन लर्निंग में डिटेल में बात करेंगे ठीक है लेकिन ये चीज़ें ज़रा अंडरस्टैंड करना सीखो बिकॉज़ एक कंप्यूटर साइंटिस्ट का ये चीज़ें एसेंस हैं यही लोग होते हैं जो असली कंप्यूटर साइंटिस्ट कहलाते हैं एक वर्ड प्रेस डेवलपर को मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं मानता बिकॉज ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट ही इज़ अ कंज्यूमर बेसिकली वो एक स्टैटिक साइट जनरेटर से ड्रैग एंड ड्रॉप साइट बना रहा है तो उस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करो कि अगर आपने चार साल यूनिवर्सिटी को दिए हैं अपनी जिंदगी के चार साल बहुत होते हैं आपने उसको दस लाख रुपया दिया मेरे केस में आपने पता नहीं कितने दिए हैं जितना भी आपने दिया है तो यार वहाँ से कुछ इस तरह का सीख के निकलो कि जब सौ लोग लाइन में लगा लगाकर खड़े हो ना आपके सामने और नेटफ्लिक्स को कहा जाए कि सौ में से एक बच्चा रखो तो वो नेटफ्लिक्स के मैं इसको रखूंगा अब मैं आपको अपनी स्टोरी कर बताऊँ मैं अभी अभी मेरे बारे में फिर बाद में बात करेंगे लास्ट में ठीक है तो रेकमेंडेशन ये नेटफ्लिक्स की टोटल कहानी थी मैंने आपको बतानी थी इसमें मैंने आपको दो स्नारियज के बताएं एक वीडियो का और एक रेकमेंडेशन का नेटफ्लिक्स वीडियोस को ऑनबोर्ड कैसे लेता है और स्केल क्या है नेटफ्लिक्स के ऊपर ठीक है रेकमेंडेशंस का एक चैलेंज है डेटा पाइपलाइन एक चैलेंज है ठीक है और कैसे उन्होंने अपनी इस चीज़ को चेंज किया अपने इस सिस्टम को जो कि रेटिंग सिस्टम से ताकि वो रेकमेंडेशंस को और बेस्ट तरीके से बता सकें लोगों को ठीक है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेटा इंजीनियर की होती है ठीक है तो अगर आपने डेटा इंजीनियर बनना है तो स्टार्ट लो मशीन लर्निंग से सबसे पहले मशीन लर्निंग सीखना जरूरी है क्योंकि मशीन लर्निंग सीखोगे तो बिग डेटा अच्छी तरह आएगा ठीक है वरना आप बिग डेटा से भी स्टार्ट ले सकते हो ठीक है तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह दूंगा पहले आपके क्यू एन ए क्वेश्चन आंसर हो फिर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर आपको मैं रिसोर्सेज बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ सीखना है तो अगर आप आज भी शुरू करोगे तो मुश्किल से एक साल लगेगा आपको नेक्स्ट ईयर इन आप एक डेटा इंजीनियर हो ठीक है तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछो फिर मैं आपको लिंक्स वगैरह रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर देता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पूछना है डेटा साइंस के बारे में पूछना है नहीं वो मूवी को कभी इरेज नहीं करता ये चीज़ याद रखना मूवी को इेज इसलिए नहीं करता बिकॉज हो सकता कि आपने नहीं देखी तो किसी और ने देखनी हो ठीक है तो जो एक बार कैश में आ गई वो चीज़ इरेज नहीं होती वो एक स्पेसिफिक कैश म, का टाइम होता है अब अगर आपने कभी कैश कंट्रोल हेडर्स के बारे में पढ़ा हो बैक एंड में जब आप कोई भी बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हो तो आप वेबसाइट के कैश कंट्रोल हेडर्स डिफाइन करते हो उसमें तो आप एक टाइम डिफाइन करते हो कब तक वो कैश में चीज़ रहेगी तो ओपन कनेक्ट के पास कोई एल्गोदम नहीं है सिंपल स्कूलिन चीज़ है अगर नेटफ्लिक्स ने यह लिखा हुआ है कि छः दिन के बाद वीडियो खत्म हो जानी चाहिए वो छः दिन के बाद डिलीट कर देगा उससे और आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी होता है एक होती है एवरग्रीन मूवी जो कि पंद्रह साल से लोग देखते ही आ रहे हैं ठीक है और एक होती है जो एक बार आई और ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी ठीक है तो ये भी बड़ा नेटफ्लिक्स बड़ा चीज़ का ध्यान रखता है कि क्योंकि एवरग्रीन मूवीज़ है ना एवरग्रीन वो हमेशा कैश में रहें और जो ऐसी मूवी जो एक बार आई लोगों ने एक दफ़ा देखी दोबारा लोग नहीं देख रहे वो नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली कैश में से रिमूव करता रहता है लेकिन मैंने आपको वही चीज़ बताई कि नेटफ्लिक्स ये मुझे एक्चुअली इस चीज़ का नहीं पता कि वो रिमूव कैसे करते हैं लेकिन होता यही है के मोस्ट प्रोबेबली स्कीुलिंग लगी होती है कुछ टाइम होता है इसके बाद उस चीज़ को मूव कर रहे होते हैं वहाँ से लेकिन कभी भी डिलीट नहीं करते बिकॉज इस चीज़ से उनका नुकसान है ठीक है मशीन लर्निंग पाइथन ही करना आर पाकिस्तान में आर नहीं है मतलब बाहर जाओ तो शायद आपको अच्छा आर अगर आपने आर में करना है तो आर होती है स्टेटिस्टिकल uh, कंप्यूटिंग के लिए और मशीन लर्निंग फॉर फाइनेंशियल डेटा के लिए लेट्स से अगर आपने कोई फाइनेंस की फील्ड में जाना है फाइनेंशियल में जाना है तो फिर करो आर फिर बेस्ट है लेकिन कोर मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ पाइथन से ही बेस्ट आती है, है पाकिस्तान के माहौल में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में ए की जॉब्स कब आएंगी यार पाकिस्तान में ए की जॉब्स कब नहीं है मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरा मैंने एक सेशन करवाया था रेज्यूमे बिल्डिंग और जॉब सर्च के ऊपर उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा वो एक बार देख लेना उसमें मैंने सबको बताया था यार आपको किसने कहा है कि ए आई की जॉब पाकिस्तान में नहीं है यार पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ए आई की जॉब्स ही तो हैं ठीक है लेकिन सिर्फ बात वही है कि स्किल सेट नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कंपनी ए आई में काम करती है उसका नाम है अफिनिटी ठीक है तो अगर आप अफिटी के पेज पर पे जाओ और करियर पेज पर पे जाओ ठीक है तो ये आपको बताएंगे कि इनके पास कितनी ओपनिंग्स हैं ए आई में ठीक है तो एक चीज़ याद रखना ए आई करने से नहीं आती सीखने सॉरी सीखने से नहीं आती करने से आती है ठीक है तो ये जो भी आपका सिटी है कराची लाहौर लंदन इस्लामाबाद ठीक है इस्तुल ठीक है तो आप लाहौर पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको करंट ओपनिंग्स बता देगा तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ए आई आर एन डी में आपके पास है ठीक है टोटल फि ट्वेंटी अपरचुनिटीज़ आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्किटेक्ट कोर तीनों कंट्रीज़ में आई ओ एस डेवलपर एस के प्रोडक्ट मैनेजर्स ठीक है और एनालिस्ट क्लाइंट डेटा सर्विसेज नोट जे एस मतलब प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर सर्विस लीड तो ये एक तो ये वाली है और एक एफिनिटी जो है ग्रेजुएट्स को हायर करता है तो आप एसोसिएट एफिनिटी में इस साल काफी सारे एसोसिएट है इंजीनियर जो लगे हैं वो सारे के सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो बात है सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो की आपका पोर्टफोलियो हो आपकी साइट हो आपका गेटअप स्ट्रॉन्ग हो आपने प्रोजेक्ट्स किए हों कोई दुनिया का माइकाल आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता ठीक है यार बैकग्राउंड सी एस में होना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज डेटा इंजीनियरिंग के बहुत से कोर कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ आपको सी एस में ही पता चलेंगे तो इसलिए मेरे लिए तो सी एस में होना इम्पोर्टेंट है वैसे लिमिट uh, कोई नहीं है आपको बताया आसमान तक आप जा सकते हो इंटर्नशिप्स भी हैं मैं आपको अपनी बताता हूँ ना अभी अपने बारे में फिर आपको समझ आ जाएगा मैं अपने बारे में बताता हूँ लास्ट में इज़ इट नी यार पता है क्या देखो पायथन मैं भी आपको कुरतुल करतर मैं आपके सवालों के जवाब आप आपको सारे मिल जाएंगे मैं आपको भी एक लिंक शेयर करूंगा अपनी गेट रिपोजिटरी का जिसमें मशीन लर्निंग सीखने का पूरा प्रोसेस है उसमें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से एंड तक सारा वो फॉलो कर लेना सब भूल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बताएगी इस बारे में हम कहाँ जाएंगे कहाँ से नॉलेज लेंगे कहाँ से पता चलेगा इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यार देखो इंटरनेट मैं भी आपके सामने हूँ आप लोग किन सेमेस्टर से हुँ? मुझे नहीं लगता कि मेरा भी कोई जूनियर होगा मैं खुद थर्ड सेमेस्टर से हूँ मैंने अभी फोर्थ में जाना है इस समर के बाद ठीक है तो जब मैं एक फोर्थ सेमेस्टर का बच्चा ये सब कुछ कर सकता हूँ तो आपके अंदर क्या कमी है मुझे बताओ मैं भी तो सब कुछ इंटरनेट से कर रहा हूँ ना तो आप भी करो बस रिसोर्सेज की बात है वो मैंने आपको बताया आपको लिंक शेयर करूँगा एक एक चीज़ उसमें दी हुई है एक एक चीज़ ठीक है तो वो आपको पता चल जाएगा और बताऊंगा भी कैसे इस्तेमाल करना है ठीक है तो उसके बाद हाउ मैनी मिनिमम आवर्स वी स्पेंड पर डे यार ये डिपेंड करता है लेट से अब मैं जो था जब मैं चीजें सीख रहा था तो मुझे इतना इंटरेस्ट था डेटा इंजीनियरिंग और एआई वगैरह सीखने में कि मैं बारह बारह घंटे पढ़ता होता दिन में बैठ के मतलब इतनी मैंने प्रैक्टिस की हुई है आप यकीन करो एक मॉडल मशीन लर्निंग का मॉडल मैं पच्चीस दफा बनाता था तीन चार दिन के अंदर रोज ताकि मुझे भूले ना मुझे पैरामीटर्स तक याद हो जाते थे कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कौन सी लेयर के बाद क्या आना है कैसे आना है ठीक है ना तो अब मैं आपको हूं कि क्या क्या हैं यार डेटा इंजीनियरिंग जो है वो डेटा को डेटा से लेके डेटा साइंटिस्ट को देने का प्रोसेस है डेटा साइंस जो है वो उस पर मशीन लर्निंग लगा के तो बिजनेस वालों को मशीन लर्निंग देने का है सही है इतनी यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है अगर आपका बैकग्राउंड बैकाट्रॉनिक्स कंट्रोल में है तो मुश्किल है डेटा इंजीनियर तो लेकिन डेटा साइंटिस्ट बन सकते तो डेटा इंजीनियर के लिए सी होना बहुत ज़रूरी है यार वजह पता क्या है मैंने अभी आपको अगर मैं दोबारा आपको स्किल सेट्स दिखाऊँ ना डेटा इंजीनियर के तो जरा उसको गौर से देखो जरा इस स्लाइड को यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें जो कभी भी आप सी के बगैर नहीं सीख सकते ये देखो और एक्कल डेटा बेसिस डेटा वेयर हाउसिंग हाईविक्स एस क्यू एल बिग डेटा पाइथन डेटा एनालिसिस बिजनेस इंटेलिजेंस एसक्यूएल सर्वर सी सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट जावा लिनिक्स माई एस ये आप एक मैकाट्रॉनिक्स के बच्चे होकर नहीं सीख सके इतना कुछ सीखोगे भी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बिकॉज तो आपका बैकग्राउंड नहीं है ठीक है इसके लिए बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग चाहिए सी के अंदर और याद रखना सी डेटा इंजीनियर सिर्फ वही बच्चा बन सकता है जिसको डेटा से इश्क होता है सीधी सीधी साफ बात एक लाइन में ठीक है तो अब मेरे बारे में चलते हैं मेरा इंट्रोडक्शन तो उसके बाद मैं आपको लिंक देता हूँ तो मैं अभी बेसिकली काम कर रहा हूँ वायरो में ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर और बैक एंड इंटर्न ठीक है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं हम दो इंटर्नस हैं अब आपको ज़्यादा मज़े की बात हमारी जॉब पोस्ट थी बैक एंड इंजीनियर की इसके लिए पंद्रह सौ एप्लीकेशनस थी वायरो को जो आई थी फिफ्टीन हंड्रेड एप्लीकेशन उसमें से उन्होंने दो बच्चे रखे हैं एक मैं और एक मुस्तफ़ा है अब आप सोचो कि दो क्यों रखें बाकी एक हज़ार चार सौ अठानवे में क्या गलती थी ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों रखें और मैं अभी मैं इस वक्त साइमल्टेनियसली काम कर का रहा हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसर्च इन टर्न गो डेट डिस्कवरी में जो कि आपके एन के अंदर एक स्टार्टअप है जो कि काम करते हैं डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर और बाकी चीज़ों पर वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की चीज़ें और मैंने पहले काम किया था बिलानस में फुल स्टैक इंजीनियर पिछले उससे साल उससे पिछले साल मैं मशीन लर्निंग का टीम लीड था वीरूफाई में जो कि सिलिकन वैली का एक स्टार्टअप था फॉरमर डेटा साइंटिस्ट भी मैं रहा हूँ डेक्ट में ये बेसिकली कोरोना की अर्ली डिटेक्शन पे काम कर रहे थे भी एन के लड़के लड़कियां थे ठीक है उसके बाद फुल स्टैक पाइथन जे एस और रूबी मतलब तो तीन मेरी लैंग्वेज था कोर नोट जे एस रूबी और पाइथन में जंगो और फ्लास्क ठीक है और कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ और पब्लिक स्पीकर हूँ एम एल एस लाहौर में डी लीड भी था ठीक है और मैंने एक हज़ार से बल्कि ये अपडेट करने वाली मैंने दो हज़ार से ज़्यादा बच्चों को कोड करना सिखाया है मेरे चार बूट कैम्प है मैं अभी आपको चारों दिखाऊंगा जो कि मैंने पढ़ाए हैं फाउंडर हूँ कोडन बाइट्स का कोडन बाइट्स मेरी कम्युनिटी है जहाँ मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आपने बड़े लेवल पे काम कैसे करना है जॉब कैसे करनी है इंटर्नशिप कैसे करनी है और हमने अभी कोड इन बाइट्स का भी आपको बताता हूँ और पार्ट टाइम गेम मैं गेम्स डेवलपर भी हूँ मतलब गेम वगैरह बनाता रहता हूँ आजकल भी एक गेम डेवलपमेंट में है मेरी एक हॉर गेम जो मैं आजकल बना रहा हूँ थ्री के अंदर ना यूनिटी में तो वो बस एक मेरा शौक है एनवायरमेंट्स क्रिएट करने का तो वो बनाता रहता हूँ तो ये मेरे लिंक्स हैं इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो ताकि अगर आप मुझे कनेक्ट करना मुझे लिंकडिन पे और वेबसाइट अभी आपको ये भी दिखाऊंगा सारा कुछ तो सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बीटा एम से हूँ और डी एस लीड था दो हज़ार का और मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कम्पेटिव प्रोग्रामिंग और बैक एंड इंजीनियरिंग में ठीक है और मैं थ्री स्टार कोडर भी हूँ कोड शेफ़ पे यानी कि मैं कंपेटिवली स्टार्ट कर दी हुई है बस इंशाल्लाह मैंने अब डीएसएल को पढ़ना नेक्स्ट सेमेस्टर में तो फिर पूरे तरीके से कंपेरेटिव करेंगे ठीक है आई लव बिल्डिंग लार्ज स्केल डीप न्यूरल नेटवर्क्स मुझे बनाने का बहुत शौक है न्यूरल नेटवर्क्स पर आजकल मैं ज़रा थोड़ी डेटा वाली साइड पे आ गया हूँ इंजीनियरिंग में तो अब मैं इतना मशीन लर्निंग में काम नहीं करता ठीक है करेंटली आई एम डूइंग रिसर्च ऑन ऑनरेटिंग ये भी साइड अपडेट होने वाली है मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ थ्री डी कंप्यूटर विजन के ऊपर और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट इमोशन रिकग्निशन के ऊपर ठीक है आई लव टू टीच एंड हेल्प अदर्स लर्न ए आई एंड प्रोग्रामिंग ठीक है मेरी मेल आ रही है आप मुझे मेल कर सकते हो और अब चलते हैं रिसोर्स के ऊपर ठीक है तो सबसे पहले जो रिसोर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट के लिए है डेटा एनालिस्ट अगर आपने बनना है जो कि डेटा साइंटिस्ट की पहली डेटा एनालिस्ट एक बच्चा होता है और जब वो बड़ा हो जाता है वो डेटा साइंटिस्ट बनता है इस तरह से समझो इसे ठीक है तो ये फ़र्स्ट लिंक है मैं मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसे खोल लो अगर आपने डेटा एनालिस्ट बनना है जो कि डेटा साइंटिस्ट का चाइल्ड फेज होता है तो ये आपको वहाँ से बन सकते हो सर इस लिंक को खोल लो नए टाइम में खोलते रहो बाद में इसको बुकमा कर लेना ठीक है तो ये चीज़ सेम गेटा रिपोर्टरी में भी अवेलेबल है ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ से पर ये इसकी जरूरत नहीं है बस इतना काफ़ी है आपके पास ठीक है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पाइथन सबसे पहले फिर स्टैट्स फिर पाइथन में एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस फिर फीचर इंजीनियरिंग फिर बेसिक एक्सेल एडवांसड एक्सेल ठीक है एक्सेल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल एसक्यूएल आपको एल आपको बिकॉज डेटा साइंटिस एसक्यूएल के बगैर बनता ही नहीं है पावर बे और टैबलो ठीक है मतलब पूरा पैकेज है आपके पास ये अगर आप कर लेते हो ना तो मुझे फिर बताना अगर आपको रिजेक्ट करेगा इंटरव्यू में तो इंटरव्यू में अब अगर आपका रेज्यूम ही इस काबिल नहीं कि इंटरव्यू तक नहीं लेकर जाता तो वो मेरा कसूर नहीं है ठीक है ये लिंक मैंने आपको दे दिया ये भी वही है अब आज लर्न मशीन लर्निंग इन फाइव मंथ्स के ऊपर अभी मैं आपको अपनी गेटा प्रोफाइल भी दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि पंद्रह सौ लोगों में से दो सेलेक्ट हुए और मैं क्यों हुआ ठीक है उसकी वाला ये है ये चीज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ अच्छा तो लर्न मशीन लर्निंग इन फाइव मंथ्स ये अगर आपने मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है पाँच मंथ के अंदर अंदर और आपको पता है थोड़ी बेसिक्स बैकग्राउंड अच्छी है आपकी तो आप ये लिंक फॉलो करो इसको न्यू टैब में खोल लो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने सीक्वेंस वाइज हर चीज़ दी है ये चीज़ अगर आप ये करोगे ना पाँच मंथ में आप डेवलपर भी अच्छे बन जाओगे मशीन लर्निंग के आप रिसर्चर भी बन सकते हो और आप इम्प्लीमेंटर भी बन सकते हो जो कि लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाते हैं तो मंथ वन में लीनियर चबरा मंथ और कैलकुलस अगर आपने एलए और कैलकुलस पढ़ा हुआ है दोबारा नहीं पढ़ना स्किप करो नेक्स्ट मंथ पे जाओ प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है बहुत अच्छी तरह आती है स्किप करो आगे जाओ फिर साइकिल लर्न अगर आपको पहले से आता है स्किप करो आगे जाओ उसके बाद मशीन लर्निंग के मॉडल्स और जितने भी थर्ड मंथ के अंदर और फिर आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है ये प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दिए हुए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर तो यहाँ से आप देख के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो थर्ड मंथ में जैसे ही फोर्थ मंथ में एंटर करोगे तो आपके पास होगा मशीन लर्निंग लीनियर मॉडल से आप चले जाओगे डीप लर्निंग के अंदर तो ये कोर्स आपके पास जो आपको मशीन uh, लर्निंग मॉडल से डीप लर्निंग में ले जाएगा उसके बाद टेंसर फ्लो सीखोगे थर्ड वीक और फोर्थ वीक में और फोर मंथ कम्प्लीट हो जाएंगे आपके फिर समझ में आपने लर्निंग प्लानिंग टेंसर फ्लो सीखनी है प्लेलिस्ट लिस्ट आपके पास और आपने फिर दोबारा से इंप्लीमेंट करने हैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपने यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट को है ना वो इम्प्लीमेंट करना है खुद से ठीक है विदाउट देखे सिर्फ समझना है और फिर खुद इंप्लीमेंट करना है ये लिंक मैंने आपको दे दिया इसके बाद नेक्स्ट लिंक है डेटा साइंस इन थ्री अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बना है तीन मंथ में तो उसका ये क्रिकुलम है ठीक है सबसे पहले आप डेटा एनालिसिस को सीखना है फ्री कोड कैम्प और ये दो लिंक्स हैं सीखने के लिए तो पाइथन अच्छी तरह सीख लो पहले फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को सीखो ठीक है और ये बेसिकली सेम वही चीज़ें मैंने आपको पहले सेंड की फर्क सिर्फ इतना कि ये मेरा है ये मैंने खुद बनाया जो मैंने आपको पहले सेंड किया था वो कृष्ण नायक एक यूट्यूबर है उसका था ठीक है तो ये मेरा बेसिकली अपने हैं दोनों तो उसके बाद थ्री वीक थ्री में आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग गुजरात और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस सीखना है वो यहाँ से कोर्स से आपको मिल जाएगा एक चीज़ याद रखना है जितने भी लिंक्स रिसोर्सेज दे रहा हूँ सब फ्री हैं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं खबरदार अगर किसी को पैसे दिए लोग बीस बीस हज़ार रुपये लेते हैं और सिखाते कुछ भी नहीं है ठीक है ट्राई योर बेस्ट और फिर आपने कैगल पर कोई कम्पटिशन दे के देखना है कैगल पर भी मैंने बहुत सेशन करवाए हुए हैं कभी कैगल पर भी करवाएंगे ठीक है उसके बाद आपने फिर सीखना है स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कैकुल सब कुछ आपने पहले सीख लिया होगा ठीक है फिर आपने तो मशीन लर्निंग सीखना है डीप लर्निंग सीखना बिकॉज डेटा साइंस मशीन लर्निंग एक ही है कोई इतना खास फर्क नहीं है डेटा साइंटिस्ट का बस ये होता है कि उसमें ये चीज़ें आ है जाती हैं ये देखो हडूप मैप रिड्यूस स्पार्क ये आपने सारा वहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग में देखा था तो डेटा साइंटिस्ट को ये भी आना चाहिए तो डेटा बेसिस नो no एस्यल और एसकील और बिग डेटा तो ये बिग डेटा का कोर्स अगर इसने बिग डेटा करना है तो यहाँ से कर सकता है फ्री है बिल्कुल और एडेक्स पे है बहुत मजे की वेबसाइट है ये आपको मिल जाएगा बिग डेटा यूजिंग स्पार्क और यूनिवर्सिटी भी यू सी सैन डी है को कराली अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये बाहर की ठीक है तो ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं किसी को पैसे नहीं देने आपने सिर्फ ये कोर्सेज करने हैं स्टेप बाय स्टेप बस एक चीज़ याद रखना मोटिवेटेड रहना सबसे मुश्किल है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में बिकॉज मैथ है तो हमारे पाकिस्तानी ना मैथ से वैसे बल्कि यकीन करो मेरे जो सी के दोस्त हैं वो कहते हैं हम सी में आए हैं सिर्फ मैथ से बचने के लिए कि हमें मैथ ना करना पड़े ठीक है तो मैथ्स काफ़ी है तो अगर आपको मैथ अच्छा लगता है और डेटा से बहुत अच्छा लगता है करो मैं कह रहा हूँ इतनी मज़े की चीज़ है जब आप बिजली बनाओगे ना आपको मज़ा आएगा कि ये अच्छा डेटा इतना कम्प्लेक्स था बीस बीस हज़ार रोज़ थी मैंने उसका एक चार्ट बनाया मतलब एक सस्पेंस वाली फील होती है ठीक है उसके बाद ये है मेरी गेटा प्रोफाइल आप मुझे फॉलो कर सकते हो उसका मैं लिंक दे देता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स वाला डिस्टेंस देखो मैंने अभी रिसेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एक काफका पे तो अगर आप रिपोर्टेज में जाओगे ना तो आपको मिलेगा देखो रियल टाइम मैप्स अपाचिक काफका ये मैंने अभी बनाना शुरू किया है अभी सिर्फ एक प्रोड्यूसर बनाया काफका का एक ये एक टॉपिक है यानी कि सिंपल टॉपिक है और उसको कनेक्ट कर रहे हैं ये मैं आज आज टाइम नहीं मिला वरना मैंने आज उसको करना था और पर आज टाइम नहीं मिला अब कल इनशाला करूँगा ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जो कि रियल टाइम में एक लोकेशन को ट्रैक कर सकेगा रियल टाइम के अंदर ठीक है तो काफका के थ्रू करेगा तो इसमें आपको डेटा इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी ठीक है तो इसमें काफ़ी सी और भी सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं डालता रहता हूँ ठीक है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ तो अगर किसी ने मुझे फॉलो करना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो गलती से दो दफ़ा प्रिंट हो गया अच्छा तो मुझे वैर वारों ने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मेरा गेटअप खोला उन्होंने यहाँ पे नीचे उन्होंने ये खोल लिया उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने ये खोला उन्होंने कहा अच्छा जी ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर ऐप बनाई जंगो में क्या करती है बताओ मैं कहा भाई देखो स्क्रीन पर लॉग करती सबसे पहले तो साइन अप लॉग दो काम करती है ठीक है जेंडर बेस सर्च करती है मेल और फीमेल ठीक है डेटा बेस में करड इम्प्लीमेंट किया हुआ है यूजर ऑथोराइजेशन भी है ठीक है कि सिर्फ उसी पेज को एक्सेसर पेज लॉग इन करेगा ठीक है प्रोफाइल इमेज भी अपलोड सिस्टम यानी कि इमेज अपलोड सिस्टम भी है पूरे का पूरा तो उन्होंने कहा अच्छा हम एक बात बताओ कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम है ओपन सी प्लस प्लस कंपाइलर ठीक है आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो मैंने अपना खुद का एक सी प्लस कंपाइलर बनाया था सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं पढ़ रहा था हम सी प्लस प्लस सीख रहे थे तो हमारे सर कहते थे कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करो डेव सी प्लस करो मेरा दिमाग बंद होता था मैं क्या इंस्टॉल करना है तो मैंने फिर जब कोड शेफ शुरू किया ना प्रोग्रामिंग का ना कम्पेरेटिव में तो वहाँ पर तो था कि आप कोड लिखते थे रन करते रन हो जाता था मैंने कहा क्यों ना इस तरह का खुद कुछ बनाया जाए ठीक है तो मैंने फिर ये खुद बनाया अपना खुद का कंपाइलर सी प्लस प्लस और सी दो लैंग्वेजेस में कोड लिख के आप यहाँ पे रन कर सकते हो शट डाउन ना करना क्योंकि मैंने इस पर कुछ चेक वगैरह नहीं लगाए हुए तो अगर आप इस पर शट डाउन करोगे तो ये मशीन शट डाउन हो जाएगी कि दोबारा रिस्टार्ट करनी पड़ेगी ठीक है ये एजोर पे होस्टेड है तो इसमें आप ये भी चेंज कर सकते हो ठीक है ब्लैक ये थीम चेंज कर सकते हो देखो मजे की चीज़ ये है ये सब फ्रंट एंड पे तो उन्होंने ये खोला उन्होंने इस यहाँ पे कोड रन किया था उनके सी ने उसने यहाँ पे चला फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा बताओ कि ये कितने यूजर्स हैंडल कर सकता है मैं क्या यार हज़ार दो हज़ार तो कर ही लेगा वो कहते हैं अगर आपने इसको स्केलेबल बनाना हो लेट्स से आपके पास टेन मिलियन यूजर्स हैं उसमें से पाँच मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और वो साइमल्टेनियसली आपके इसको इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस कंपाइलर को तो मैंने बोला अगर आपने कंपाइलर चेक करना है आप कर सकते हो मैं लिंक दे दूंगा आपको ऊपर मैं बता रहा हूँ शट डाउन की कमांड रन करनी पहले कई लोगों ने किया मेरे साथ मजाक में दोबारा जाकर ऑन करना पड़ता है अब वो ये आपको ये बताने लगा लगाऊँ ये उसने पूछा था कि लेट्स से अगर यहाँ पे कोई मिलीशियस कोड रन करेगा तो क्या करोगे ठीक है अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था और यही अगर मैं आंसर ना देता तो आज मैं वहाँ पे इंटर ना होता ठीक है तो मुझे अब देखो मैंने सिस्टम डिजाइन पढ़ा हुआ है मुझे पता है मिलियन यूजर कैसे हैंडल होते हैं तो मैंने फौरन बताया मैंने कहा भैया देखो अभी यह सिंगल विजुअल मशीन है उस पर सिंगल एक एप्लीकेशन है फ्लास्क की वो रन हो रही है ठीक है कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कुछ नहीं तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं पहली अप्रोच है कि आप जब भी कोड को रन करें आप एक डॉकर का कंटेनर रन करो बैकहेंड पे और जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन पूरी हो जाए आप उस कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर दो तो सिर्फ इतनी सी बात मैंने बोली अभी मैंने कोई कूबर का नाम नहीं लिया मैंने अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का नाम लिया तो वो मुझे कहते हैं आपका सेमेस्टर कौन सा मैं कहा थर्ड तो वो हैरान हो गया कहता है ये क्या आप ये चीज़ें कैसे बताएं आपको मैं कहा बस यही जो लोग फोकस करके पढ़ते हैं ना उन लोगों की बातें बताती हैं फिर से मुझे पूछा अच्छा चलो ठीक है तो अब आपको बताता हूँ कि डॉकर का क्या फायदा होता है अब डॉकर किसी ने पढ़ा तो डॉकर का ये फायदा होता है कि वो एक कंटेनर होता है जो कि थोड़े से टाइम के लिए आप रन कर सकते हो जैसे आप कोड यहाँ पर रन कोड क्लिक करोगे वो बैक एंड पे एक कंटेनर स्टार्ट करेगा उसमें कोई टेस्ट वगैरह जो आपने लिखे होंगे ठीक है यहाँ से आप इनपुट भी एंटर कर सकते हो ठीक है तो इनपुट के करीब आपका टेस्ट चलेगा जैसे ही आपका टेस्ट चल जाएगा तो रिस्पॉन्स आएगा और अगर आपने कोई मिलीशियस कोड रन किया है शट डाउन का तो वो सिर्फ वो वाला डॉकर कंटेनर शट डाउन होगा मेरी वेबसाइट नहीं डाउन होगी समझ रहे हो बात को आई होप के अंडरस्टैंड होगी होगी बात तो फिर कहते हैं चलो ठीक है अगर इसको क्लस्टर पे करना हो तो क्या करेंगे कहा भाई क्या करो एक ऊबर नेट इसका पोर्ट इनिशिएट करो और उसको सारे Docker कंटेनर पकड़ा दो कि भाई इसको मैनेज कर खुद ही इनिशियलाइज कर खुद ही रिसोर्स खत्म कर दे देख जरूरत ना पड़े तो फिर वो फिर कहता है चलो ठीक है फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके पास एक ए है जिसमें आपने इमेज अपलोड करनी है और उस पर लेट से थाउजेंड्स ऑफ इमेज एक सेकंड में अपलोड होनी तो क्या करोगे मैंने कहा भाई आप इमेज को एक लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर दो एक ऐप के चार वर्जन चला दो और लोड बैलेंसर को कहो कि जब भी एक इमेज आए तो उसको साइमल्टेनियसली लोड को ना राउंड रॉबिन स्केजुलिंग के थ्रू स्केजूल करना है ताकि वो डिफरेंट जगहों पे जा सके ये मेरे पंद्रह सौ में से सेलेक्ट होने की वजह थी मैंने आपको वजह बताई है कि किस तरह लोग सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान में जॉब्स बहुत हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपने उस कंपटीशन में से स्टैंड आउट करना है वो आप कैसे करोगे एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ठीक है तो ये बातें मैंने बोली हो सकता है आपको समझ ना आई हूँ लेकिन जब आप सीखोगे ना बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी अब लास्ट चीज़ ईजर हमारी कोड इन बाइट्स कम्युनिटी है वो एक बार देख लो तो बिकॉज सारे बूट कैंप वगैरह वहीं पर होते हैं मैं एक बार आपको दिखा दूसरा जो मैंने अभी तक पढ़ाए हुए हैं ठीक है तो ये आपके पास डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स है इसमें सारे बूट कैंप्स मतलब यहीं पर गठा पे आपको मिल जाएंगे आप मेरे गीठा मेन पेज पर जाओगे तो वहाँ पर ये देखो ये बूट कैंप्स हैं डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो मैंने पढ़ाया था ठीक है मशीन लर्निंग कोर्स पढ़ाया था वेब डेवलपमेंट का बोर्ड कैंप कराया था एडवांस वेब डेवलपमेंट में हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं अगर मैं आपको सिर्फ़ एक डेमो दिखाऊं जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी तो लास्ट क्लास का आपको मैं डेमो दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में चीज़ें कवर की थी आजकल तो क्लासेज नहीं हो रही बिकॉज मैं बहुत बिजी होता हूँ लेकिन जो लास्ट क्लास में क्लासेज कवर की थी ना उसका अगर मेरे पास वो पढ़ा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ पता नहीं कहाँ चला गया रुको ज़रा डेस्कटॉप ये रहा माइक्रो सर्विस लास्ट हाल में उनको माइक्रो सर्विस का बताया था कि माइक्रो सर्विस क्या होती है तो ये देखो मोनोलिथ आर्किटेक्चर वर्सेस माइक्रो सर्विस इस तरह हम पढ़ते हैं एडवांस वेब डेवलपमेंट को मैं ये कोर्स पूरा करवा रहा हूँ अभी तक ये आधा हुआ है आधा रहता है तो ये हम बेसिकली डिस्कॉर्ड पे पढ़ते हैं ठीक है तो ये आपको बताना था अब यहाँ पर अगर आप जाओगे ना डिस्कॉर्ड में जो हमारी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में हमारे पास क्या है कि हम कम्युनिटी में हमारे चैनल्स हैं काफ़ी सारे ठीक है जनरल uh, चैनल है बेसिकली uh, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम मैंने खुद स्टूडेंट्स uh, को स्प्लिट किया सेमेस्टर वाइज़ कि जो वन से फोर वाला बच्चा है ना उसको हमने कोई प्रेशर नहीं देना हमने उसको सिंपल एक पाँच सौ क्वेश्चन की एक लिस्ट दी है फोर फिफ्टी क्वेश्चन की डेटा सचम की जो वो इस तीन मंथ में करेगा तो नेक्स्ट ईयर वो इंटर्नशिप कर पाएगा ठीक है सिंपल सी बात है इंटर्नशिप में आपसे डी को पूछे जाने हैं इंटर्नशिप में आपसे कोई नहीं पूछता कि आपको आता है कि नहीं आता वो सिर्फ स्टार्टअप होते हैं स्पेसिफिक बंदा हायर करते हैं लोकल कंपनीज अगर आपने कहीं भी जाना है तो आपसे डी एस को पूछेंगी अगर आपने इस समर में ये फोर फिफ्टी क्वेश्चन किए होंगे तो आप अगले साल इंटर्नशिप कर पाओगे सिंपल वन से फोर सेमेस्टर का बच्चा रिलैक्स है हमारी कम्युनिटी में कोई इसको टेंशन नहीं है वो सेशन अटेंड करना चाहे करे नहीं करना ना करे हमने उसको ये फोर फिफ्टी दे दिए जो दिल ईमान से करेगा खुद तरीके से करेगा वो ऑटोमेटिकली कल को इंटर्नशिप कर पाएगा फोर से एट वालों पर हमने बहुत एम्पसाइज किया हुआ है फोर सेट वालों को हम कहते हैं कि वो फोर फिफ्टी क्वेश्चन ना करो बिकॉज आपका जॉब का टाइम आ चुका है आप सिर्फ वन एटी क्वेश्चन करो ये वन एटी क्वेश्चन की एक लिस्ट दी है उनको मैंने एक सौ अस्सी सवाल है इसके बाहर से कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आएगा ना ही टेस्ट में आएगा नेक्स्ट चीज़ क्या मैंने उनको डी बी एम एस कॉन्सेप्ट दिए कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पूछा रहता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है इंडेक्सिंग क्या होती है ठीक है और सब क्वेरीज़ क्या होती हैं रेंज क्वेरीज़ क्या होती हैं तो ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड किया गया उसके बाद आपके पास कोर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेटवर्किंग के वो सारे के सारे कोर क्वेश्चन जहाँ पर दिए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में तो जो फोर्स से एट वाला बच्चा ये तीनों अच्छे तरीके से कर लेगा उसका भी इंटरव्यू क्लियर है उसका भी टेस्ट क्लियर है ये आपको मेरी गारंटी है ठीक है ना तो ये इस तरह से हम बेसिकली लेके चल रहे हैं बच्चों को और ग्रेजुएट्स का सेशन है जहाँ पर ग्रेजुएट्स जो बच्चों ग्रेजुएट हो गए हैं वो कैसे करते हैं उनके लिए भी सेम वही प्रोसेस है कि डे डी बी एम एस का रोडमैप दिया हुआ इंटरव्यू प्रपरेशन का दिया हुआ ठीक है तो उन लोगों को हमने वो कोर सब्जेक्ट्स का नहीं दिया बिकॉज वो लोगों को चीज़ें पहले से आती हैं उन लोगों को चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एन का हमारा बूट कैंप है जो मैं बताया चल रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का और एक बूट कैंप चल रहा है हमारा एडवांस वेब डेवलपमेंट का ठीक है तो इसकी क्लासेस आज कल नहीं हो रही लेकिन इसकी आगे तक इंशाल्लाह शाह होंगी जैसे मैं फ्री हूँ ठीक है तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी ज्वाइन करना है इस कम्युनिटी की जो तो खास बात यह है कि सैटरडे संडे को वन टू वन मेंटोरशिप और होती है आपको आप मुझे पर्सनल मैसेज करके डिस्कॉर्ड पे वन टू वन मेंटोरशिप मेरे से ले सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई मसला आ रहा है आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आपने कोई सजेशन लेनी है तो यहाँ पर वन टू वन में अवेलेबल होता हूँ वैसे मैं ईमेल पे पर वन टू वन नहीं आऊँगा अगर आप स्कोर पे आ जाओगे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लोगे तो फिर हम वन टू वन बात कर सकते हैं आपके साथ ऑन द ठीक है तो मीटिंग रूम बनाया है इसीलिए ताकि हम वन टू वन डिस्कशन कर सकें उसके अंदर तो मैं इसका इन्वाइट लिंक आपको भेज रहा हूँ सेवन डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा तो जितने ज़्यादा बच्चों को आप इन्वाइट कर सकते हो ना आप इन्वाइट करो और बेसिकली ये मेरी एक मेरी तरफ से एक कम्युनिटी को गिव बैक है क्योंकि मैं ख़ुद एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हूँ मैंने कभी यूनिवर्सिटी से नहीं कुछ भी सीखा यूनिवर्सिटी ने सिर्फ सी प्लस पर सिखाई अभी तक और मुझे सात लैंग्वेज आती हैं सी प्लस के अलावा ठीक है तो ये चीज़ करो और बाकी सब चीज़ आपको मैंने गेटाफ का बता दिया आपको लिंक्स गेटाफ़ के लिंक्स भी दे दिए मैंने तो किसी का को कोई सवाल है अब तो मुझसे पूछ लो क्योंकि लोग पूछ रहे थे कैसे करें क्या करें इंटर्नशिप नहीं ये वो नहीं तो अब भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछो मैं क्वेश्चन के आंसर देता हूँ डेटा साइंस की मोटिवेशन पे थोड़ी यार देखो डेटा साइंस की मोटिवेशन सिंपल है आपके पास डेटा लेट से मैं एक फाइनेंस कंपनी चलाता हूँ लेट से और मेरी कंपनी में ना ट्रांजेक्शन होती हैं ठीक है, है ना तो अब ट्रांजेक्शन होती हैं अब मुझे ये पता लगाना है भैया कि कितनी ट्रांजेक्शन रोके फ्रॉड हुई हैं और किस टाइम पर हुई हैं अब मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ मुझे हायर किया गया कंपनी कि में ये पता करने के लिए कि भाई हमें बताओ कितनी ट्रांजेक्शन रोके फ्रॉडुलेंट थी और किस टाइम हुई थी तो ये मोटिवेशन है आपके लिए कि आपको डेटा दिया जाएगा जिसमें एक कॉलम टाइम का होगा एक कॉलम ट्रांजेक्शन का होगा यूजर आई होगी और आगे लिखा होगा कि फ्रॉडोलेंट है कि बिल्कुल सही थी ठीक है आपने एज अ डेटा साइंटिस्ट कुछ जो भी किया जो आपने सीखा डेटा साइंस आपने साइंटिंग किया रात को दो बजे से लेके ना सुबह छह बजे तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी फ्रॉडोलेंट थी ठीक है और रात ग्यारह बजे से लेके सुबह दो बजे तक जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसमें से सिक्सटी परसेंट फ्रॉडोलेंट थी फोर्टी एक्यूरेट थी दिन 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी 100 परसेंट एकोरेट थी अब समझ आई डेटा साइंटिस्ट कौन होता है क्या करता है तो जब आपने उसको ये बताया ना तो उसको पता चल गया कि ठीक है रात को दो बजे जो है ना ये सब कुछ होता है उसने क्या किया उसने एक तुम आप एक डेटा साइंटिस्ट को उसने बोला कि अब मुझे एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिज्म बना के दो तो जो कि फ़िल्टर करता रहे ठीक है आपने उसको एक मशीन लर्निंग का एल्गोजम बना के दिया जो कि प्रीवियस डेटा की बेस पर आगे आने वाली ट्रांजेक्शन्स को ऑटोमेटिकली करता था वो क्या नाम होता है उसका पार्स करता था ठीक है रिक्वेस्ट को और ये पता लगाता था कि वो फ्रॉडोलेंट है कि बिल्कुल एक्यूरेट है तो अब क्या हुआ उसने उसको कहा आप बोला कि स्क्रिप्ट को ना इस कर दो कि ये रात को चले ताकि रात को मुझे पता चल जाए क्या क्या कुछ हुआ जैसे आपने स्क्रिप्ट को चलाया रात को ग्यारह बजे आपने को चला दिया सुबह उठ के आपने देखा तो उसने पचास ट्रांजेक्शन को बोला कि ये फ्रॉडोलेंट है आपने उनकी यूज़र आई खोली आपने देखा कि कस्टमर है आपने उसको बैन कर दिया अपनी सर्विस से बिकॉज वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ डेटा साइंटिस्ट ने उनके कितने पैसे बचाए सिर्फ दो दिन में ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो कि वो खुद पिछले दस साल से नहीं कर पा रहे थे आई होप कि आपको रोल भी समझ आ गया कि क्या बात होती है क्यों हायर करते हैं जो परस्पेक्टिव क्या होता है ठीक है और पोटेंशियल तो मैंने आपको बता ही दिया डेटा साइंटिस्ट इज़ द मोस्ट हाईली पेड जॉब ठीक है ना uh, है आपकी इस वक्त इंडस्ट्री की ठीक है इससे हाईली पेड जॉब कोई नहीं है पोटेंशियल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी आपको डिस्कॉर्ड का लिंक सेंड कर दिया डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो मुझसे वन टू वन बात करो मैं बताऊंगा सबका टाइम नहीं लगाते हम तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बस पूछो बस पाँच मिनट में सेशन को ख़त्म करते हैं फोर थर्टी पे यार पेड कुछ नहीं होता एजुकेशन इज़ फ्री इलम हमेशा दुनिया में फ्री रहा है लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया तुम क्या करें पर मेरी जितनी भी सेशंस होते हैं सब फ्री होते हैं मिनट से भी फ्री होती है मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता तो काफका क्या करता है काफका इज आ सिस्टम काफका ऐसी चीज़ है आप इसको समझ सकते हो सेंड एंड फॉरगेट सिस्टम है एक दफ़ा आप मैसेज मेरे के लिए बेसिकली ना आप एक समझो कि मैसेज ब्रोकर है ठीक है और इसको इवेंट आता है ये इवेंट को रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचकर भूल जाता है कि इवेंट इसके पास आया था ठीक है तो ये ऐसे है.